लगा के कौन सी खुलेगी पहले, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाई जाए? चल फुल भरा हुआ एकदम मॉडर्न और पढ़ाई जाए? पढ़ाएंगे, ग्राहकों की संतुष्टि परम ध्येय है। और भी कोई फारसी लेटिन बाकी हो तो ही बता देना, आज पढ़ा दूंगा सब। चलो तो पहले त्यौहार पढ़ लिया अपने, फटाफट 5 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे, आप सबको याद भी होंगे त्यौहार सारे के सारे। सारे तो बताओ त्यौहारों की शुरुआत कौन से त्यौहार से मानी जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीय, श्रावण शुक्ल तृतीय त्यौहारों की शुरुआत मानी जाती है। अंतिम त्यौहार कौन सा होता है? गणगौर कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीय। चलो तो अपने इधर से शुरू करते हैं, तो शुक्ल पक्ष से करते हैं, वो लास्ट में पढ़ेंगे वापस आके उधर, है ना। तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले कौन सा आता है? छोटी तीज आता है। आप ये भी जानते हैं कि छोटी तीज सबसे अच्छा कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में सबसे अच्छा मनाया जाता है। और कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है और जो गिफ्ट भेजे जाते हैं लड़की के लिए, क्या बोलते हैं उनको? सिंजारा, सिंजारा बोलते हैं। बाद में पूर्णिमा, वो क्या आ जाती है? मैं हमेशा कहता हूं कि भाषा छूटने का सबसे बड़ा दोष जो हुआ या सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये रहा। बाकी आप किसी भी त्यौहार के बारे में जब आप बोलेंगे, राजस्थानी में जब उसका नाम बोलेंगे, उसकी तिथि अपने आप पता चलती है। जब आप कहते हैं कि छोटी तीज तो आपको पता है तृतीया को है। जब आप कहते हैं आखा तीज, आप कहते हैं तृतीया को है। जब आप कहते हैं बच्छ बारस, मतलब वो बारस को है। जब आप कहते हैं निर्जला ग्यारस, मतलब ग्यारस को है। जब आप कहते हैं सती अमावस, इसका मतलब अमावस्या को है। जब आप कहते हैं रूप चौदस, मतलब वो चौदस को। पर जब आप रक्षाबंधन बोलते हैं आपको तिथि नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए राखड़ी पूनम है, रख पुण्य है, राखी पुनम है, राखड़ी पुनम है। जब आप राखड़ी पुनम रख पुण्य बोलते हो तो अपने आप पता चलता है कब आती है पूर्णिमा। आप अक्सर नोटिस करते हैं कि बहन जब राखी बांधती है हाथ में नारियल देती है, इसलिए आप इसको बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? ये श्रावण का महीना, इसी महीने में श्रवण कुमार, किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। वो भी किस दिन की जाती है? रक्षाबंधन के दिन की जाती है। इसके बाद आगे आगे आपका भादवा, भादवे मेरे आपको बताएं वे इधर 3, 6, 9, 12, बस एक 8 याद रखना है बीच में थोड़ा सा, बाकी 3, 6, 9, 12, 15। ये भादवे का महीना बड़ा महीना माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक त्यौहार कौन से महीने में आते हैं? भादवे। इसलिए तीज क्या हो जाएगी? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। अब कोई पूछे कि भादवे में कौन से गीत गाए जाते हैं? कजली। कौन से गीत गाए जाते हैं? कजली। सावन में कौन से गीत गाए जाते हैं? तीज। तीज के गीत सावन में, कजली के गीत भादवे में। अच्छा, ये तीज सबसे अच्छी कहाँ मनाई जाती है? बूंदी। आपके इधर वाली छोटी तीज सबसे अच्छी कहाँ? जयपुर। और ये कहाँ पे? बूंदी। राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल 1931 में बने, एक जयपुर एक बूंदी, एक जयपुर एक तीज भी सबसे अच्छी कहाँ पर? एक जयपुर एक बूंदी, पहले वाली जयपुर और दूसरे वाली बूंदी। ये कहा? ये पहले वाला प्रजामंडल जयपुर और बाद वाला प्रजामंडल। मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रख लेना, बाद कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, छठ, छठ के दिन खड़े रहना पड़ता है, जैसे मैं पूरे दिन खड़ा रहूंगा तो उब छठ। कौन सी हो गई? उब छठ हो गई। या इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्छ। तो उब छठ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? हल छठ कर देते हैं। हल छठ क्यों कहते हैं? क्योंकि बलराम जी का बर्थडे। किसका बर्थडे? भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी, इनका एक नाम और है संकर्षण। क्या नाम है? आप भले उनको संकर्षण बोल दीजिए, भले उनको बलराम बोल दीजिए, वो उनका बड़ा नाम है। और उनका मुख्य हथियार था हल। क्या नाम था? इसलिए जब आप मेंस में पढ़ने के लिए आएंगे तो हिंदी वाले सर आपको पुनः बताएंगे कि बलराम जी का पर्यायवाची हलधर। क्या पर्यायवाची है? हलधर। तो बलराम जी की जयंती कब आती है आपको? छठ को। इसलिए वो हल छठ है, क्योंकि खड़े खड़े व्रत किया जाता है, इसलिए क्या है? उप छठ है। 2 दिन बाद में भगवान कृष्ण का बर्थडे आ जाता है, तो अष्टमी क्या जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी। तो वासुदेव पहले करते हैं संकर्षण की पूजा, फिर करते हैं वासुदेव। पहले किसकी? संकर्षण, फिर किसकी? वासुदेव। मतलब पहले बलराम की और बाद में कृष्ण। अपने राजस्थान में एक अभिलेख मिला जो हमें वासुदेव संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है, गोसुंडी। कौन सा अभिलेख? तो राजस्थान में वासुदेव या संकर्षण की पूजा या भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीन अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। किस किस की पूजा की जानकारी देता है? कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। कृष्ण को क्या बोलते हैं? वासुदेव। बलराम को क्या बोलते हैं? संकर्षण। इनको जो मानते हैं उनका संप्रदाय कौन सा होता है? भागवत। कौन सा संप्रदाय? क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार है, इसलिए कौन सा हो गया? वैष्णव। अष्टमी के बाद नवमी, नवमी के दिन गोगा जी का दिन है, इसलिए कौन सी होगी? गोगा, गोगा नवमी। बाकी राखियां तो बांधी जाती है, इस दिन हम राखियां खोल देते हैं पर हल्के बांधते हैं। किसके बांधते हैं? क्योंकि नवमी होती है, इसलिए कितनी गांठ लगाएंगे? मुझे याद है थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि गोगा नवमी को जब राखी बांधी जाती है हल्के कितनी गांठे लगाई जाती है? कितनी गांठे लगाई जाती है? 9 गांठ वाली। हम ये भी जानते हैं कि गोगा जी के 2 बड़े मंदिर है, एक मंदिर आपका ददरेवा, एक बड़ा मंदिर गोगा मिल। कहां कहां पर मंदिर है? ददरेवा और गोगा में।
आप ये भी जानते हो कि ददरेवा में उनका सिर कट के गिर गया था, बाकी धड़ कहां पर गिर के गिरा, दोगा में। इसलिए जहां पे सिर कटा वो हो गई शीर्षमेढ़ी, और जहां पे धड़ गिरा वो हो गई धड़मेढ़ी। धड़मेढ़ी धड़मेढ़ी करते करते क्या हो गई, धुरमेढ़ी। तो जहां पे सिर कटा वो तो क्या हो गई शीर्ष, और जहां पे धड़ गिरा वो क्या हो गई धुरमेढ़ी। हम ये भी जानते हैं कि सांसोर के पास में एक छोटा सा गोगा जी का मंदिर है, छोटे मंदिरों को बोलते हैं ओल्डी, इसलिए उस मंदिर का नाम है गोगा जी की ओल्डी। क्या नाम है? आपको जब कभी भी सांप खा जाए आप गोगा जी के मंदिर पे जाइए, आपका सांप का जहर दूर उतर जाएगा, जहर उतर जाएगा। इसलिए अक्सर गांवों में मंदिरों पर लिखा होता है जहर पीर गोगा जी, क्या लिखा होता है, जबकि वो ऐसा जहर पीर नहीं लिखना चाहिए, वहां उन्होंने जाहिर जाहिर पीर, क्या लिखना, जाहिर का मतलब होता है साक्षात, पीर का मतलब होता है देवता। महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसने कहा अरे ये तो साक्षात देवता है, इसलिए उसने क्या कहा था, तो राजस्थान का वह लोक देवता जो महमूद गजनवी से लड़ा था, जटे जटे खेजड़ी बटे बटे। तो नवमी के दिन जहां जहां खेजड़ियां देखेंगे वहां वहां गोगो जी के मंदिर देखेंगे, वहां वहां पूजा कर सकते हैं। तो नवमी के दिन कौन सी होती है, गोगन। बारस के दिन बछड़े की पूजा करते हैं, तो बछवारस। तो इस दिन कहा गया कि साहब बछड़े की तो पूजा की जाए और चाकू का प्रयोग साबुत अनाज खाया जाए, क्या खाया जाए, अमावस्या के दिन। कौन सी हो जाती है, सती अमावस्या, कौन सी हो जाती है, सती। सती माता का अपने सबसे बड़ा मेला झुंझुनू वाला सती माता का ना, हालांकि पहले ही भरने लग जाता है, सप्तमी अष्टमी से शुरू हो जाता है ना, अमावस्या तक आते आते समाप्त होता है। पर आपने याद ही रखना है कि सती माता का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर, कहां पर है, तो या तो झुंझुनू वाली सती माता है, वास्तव में नाम क्या था उनका, नारायणी देवी। क्या नाम था, पति के साथ सती हुए थे, पति का नाम क्या था, तन धन दास अग्रवाल। क्या नाम था, तन मन धन में मन नहीं है, अग्रवाल जिनका तन रख लो और धन रख लो, मन तो क्या नाम है उनका, वो न केवल सतियों की रानी है बल्कि सतियों की दादी, उनका नाम नारायणी देवी था। इसी हम एक नारायणी माता और जानते हैं जिनका मंदिर अलवर में है, कहां पर है, चूंकि वो नाई जाति की महिला थी इसलिए नाई जाति की कुलदेवी है। पहला पर्चा मीणा जाति की व्यक्ति को दिया था, तो मीणा जाति के लोग उनके क्या होते हैं, पूजा। बरवा पहाड़ी, अलवर में एक पहाड़ी है उसका नाम क्या है, बरवा। उस बरवा पहाड़ी में किसका मंदिर बना हुआ है, नारायणी। किसका मंदिर बना हुआ है, नारायणी माता का मंदिर बना हुआ। तो नारायणी देवी नारायणी माता कुछ ही कह दो बोले आप, अमावस्या हो गई। इसके बाद इधर आ गए आप, इधर अपने पिछली क्लास जब ली थी तब अपने बात कर ही रहे थे, द्वितीया के दिन ले रहे थे बाबरी बीज, कौन सी है, रामदेव जी महाराज जो है, रामदेव जी महाराज का मेला लगता है आपके रामदेवरा, कहां लगता है, इसका पहले नाम हुआ करता रूनीचा, पर चूंकि रामदेव जी वहां चले गए इसलिए क्या हो गया, वो रामदेवरा हो गया। और हम कहते हैं कि इतनी भीड़ जाती थी, भयंकर भीड़ जाती है कि हम उसको कहते हैं मारवाड़ का, और हम कहते हैं कि रामदेव जी ने एक संप्रदाय चलाया था, संप्रदाय कौन सा था, कामड़िया, कौन सा था, और कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं डांस करती है, उसका नाम तेरह ताली, इसलिए तेरह मंजीरे बांधती है, नौ तो कहां बांधती है, दो कहां बांधती है, दो कहां रखती है, और बैठी बैठी डांस करती है, खड़ी होती तानपुरा और चौतारा बजाते रहते हैं, पुरुष क्या बजाते रहते हैं, पाली में अपने गांव, उस गांव का नाम क्या है, पादरला, और वहां की एक महिला इसकी बहुत अच्छी डांसर है, मांगी बाई, क्या नाम है, एक लक्ष्मण दास कामड़ है, वो वाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं, कामड़िया संप्रदाय के लोग इसलिए कामड़ी बजाएंगे। पर याद रखने वाली बात इससे भी अलग है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो ये बाबरी बीज है, पूर्वी राजस्थान के अंदर बाबू महाराज का मेला, किसका मेला है, किसका मेला है, बाबू। तो पश्चिम में बाबा, पूर्व में बाबू महाराज का मेला लगता है धौलपुर, कहां लगता है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, राजस्थान का पश्चिमी जिला इधर है बाबू, याद रहेगा। और इसी बाबरी बीज को बाड़मेर में एक मेला लगता है आपके आलमजी, किनका लगता है, धोरे पर बना हुआ एक मंदिर, धोरी मन्ना, जिस धोरे की मिट्टी यदि घोड़ों के लगा दो तो घोड़े क्या हो जाए, घोड़े सही हो जाते हैं। तो आलमजी जो अश्वरक्षक देवता, कौन से देवता है, हम ये भी पढ़ते हैं कि घोड़ों का बहुत बड़ा मेला भी बाड़मेर में लगता है, मल्लीनाथ जी पढ़ रहे थे पिछली बार, तिलवड़ा, कहां पर, तिलवड़ा। तो वो मालानी पशु मेला या मल्लीनाथ पशु मेला है जिसमें घोड़ों की खरीद बिक्री होती है, तो घोड़ों का मेला यदि तिलवड़ा में लगता है तो बाड़मेर में पड़ता है, तो घोड़ों के डॉक्टर भी कहां होंगे, बाड़मेर। और वो जगह कौन सी आपके, धोरीमन, कौन सी जगह, और आलम जी के लिए कहते हैं कि वो राठौड़ थे, मारवाड़ में चूंकि राठौड़ वंश था, राठौड़ों में जेतमाल के वंशज थे, किसके वंशज थे, इसलिए हो गए जेतमाल और राठौड़, कौन से हो गए, इसे कल्ला रायमल का वंशज है, तो रायमलोत, वो रायमलोत राठौड़ है, वैसे वो जेतमाल के वंशज थे इसलिए जेतमालोत राठौड़ है। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे आगे बाबरी बीज हो जाएगी, बाबरी बीज के बाद में गणेश संसद, हमने संसद में प्रवेश किया गणेश चतुर्थी के दिन, भाई कोई शुभ काम किया जाए तो किसका नाम लेके किया जाए, गणेश जी मत, तो गणेश चतुर्थी। इसी दिन आपके शिव जी की चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी और शिव, चांद नहीं देखना चाहिए भाई साहब, कलंक लग जाता आप, इसलिए कौन सी है,
पर जाए साइड के अंदर हम नहीं बोलते ये सब, हम तो कहते हैं चतरा चौथ है। क्या है? चांद चतुराई दिखा गया था, इसलिए क्या कहते हैं? चतरा चौथ। हम कहते हैं हर कोई जो शुभ काम है वो चूंकि गणेश जी को याद करके किया जाता है, इसलिए अपने रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी, कौन से गणेश जी? नॉर्मली यू माना जाता है कि तीन आंखें शिव जी की है, और जिस दिन शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे उस दुनिया में क्या जाएगी? प्रलय। पर रणथंभौर में 3D चश्मा किसने लगा रखा है? गणेश जी का गडेड़ी एक बार इधर, तो रणथंभौर में उनके पास है। ऐसे जैसलमेर में एक मंदिर है, उसका नाम है चुंडी। कौन सा नाम है? चुंगी तीर्थ। तो चुंगी तीर्थ में वही गणेश जी का, और ये चुंगी तीर्थ कहां पर पड़ता है? जैसलमेर। त्रिनेत्र गणेश जी कहां पर? रणथंभौर के अंदर है। अच्छा, इसके बाद में कौन सी आ गई? अपने बचपन में कभी कहते थे कि उत्तर दिशा में 7 तारों को देखिए जो कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, वो ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है? उन 7 तारों की पूजा करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सप्तऋषि मंडल। कामा कामा के अंदर एक मेला होता है, भोजन थाली। कौन सा मेला होता है? मुझे याद है भोजन थाली मेला पहली बार तब प्रचलन में आया था जब 2008 के आसपास यहां पर कोई ऊपर टंकी पर बैठे हुए कुछ लोग थे, वो नीचे गिर गए थे, टंकी गिर गई थी, नीचे शायद दंगल चल रहा था, दंगल देख रहे थे, उस समय बड़ा पॉपुलर रहा था। अभी वापस डॉलर इंडा टूटा है, अभी अभी ये मेला वापस चल रहा था और डॉलर इंडा शायद चल रहा था, और वो वापस डॉलर इंडा, जानते हो डॉलर इंडे में तो इंडे होंगे, कई यूं सोच रहे होंगे डॉलर इंडा ना, उसको कौन सा इंडा बोलते हैं? डॉलर इंडा। तो वो वापस टूटा, मैं अखबार में वापस देख रहा था, मगर भोजन थाली मेले पे कोई सती वो शनि का प्रकोप है क्या लग रखा है? 7.5 सती लग रखी है कि बार बार ये यहाँ पर होता है, तो याद रखना कुछ ऐसा हो रखा होता तो करंट में न्यूज होती तो आने की संभावना अधिक रहती है। तो भोजन थाली मेला कहां पर होता है? कामा। किस दिन होता है? किस दिन होता है? ऋषि पंचमी। आप बाकी सब लोग रक्षाबंधन मनाते हैं पूर्णिमा को, माहेश्वरी होने का नहीं मनाएंगे। माहेश्वरी कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? ऋषि पंचमी को मनाते। फिर कौन सी आ गई? कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण पैदा हुए तो काले, राधा जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए इसलिए गौर। इस बार कभी गीत आए कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, रुकना होल्ड, सिंपल आंसर है, तुम ये भी नहीं जानते। कृष्ण में पैदा हुए तो कैसे हो काले, राधा जी गोरे में इसलिए निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। कौन से संप्रदाय? सलेमाबाद। इस पीठ की स्थापना करने वाले थे परशुराम जी, कौन थे? और ये संप्रदाय कहता है भाई साहब राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी थी, युगल रूप में पूजा की जाती है, राधा कृष्ण की एक साथ पूजा करते हैं, पत्नी मानकर पूजा करते हैं। कहां पर? सलेमाबाद। किसने पीठ की स्थापना की? और कौन से संप्रदाय की पीठ? निम्बारक। कौन से संप्रदाय की? निम्बारक संप्रदाय। फिर कौन सी आ गई? अपने राजस्थान के एक और बड़े लोक देवता तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज का कहां पर हो गया? पर्वतसर। कहां पर मेला लगता है? पर्वतसर। पशु मेला होता है पर्वतसर में, ये भी आपका। और इसी दिन हम पिछली बार बात कर रहे थे खेजड़ली का वृक्ष मेला, खेजड़ली का भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787, आज के हिसाब से देखे तो 12 सितंबर 1730 कितने लोग शहीद हुए थे? 363 लोग। किसको बचाने के लिए? किसके नेतृत्व में? इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता? अमृता देवी विष्णु पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में आ गया आपका जल झूलनी एकादशिया। कौन सा आ गया? जल झूलनिया देवझूल। भगवान कृष्ण को पहली बार नहला के लाए थे, नहला के लाए इसलिए जल में झुला के लाए, इसलिए जल झूलनी एकादशी। देवता को झुला के लाए इसलिए भगवान कृष्ण को जिसमें बिठा के लेके जाते हैं जिसके अंदर, उसको बोलते हैं बेवान। क्या बोलते हैं? बेवान। लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर होता है जो आगे की तरफ से खुला होता है, तीन तरफ से क्या होता है? बंद। ऐसे ही एक मंदिर और होते हैं, उनको बोलते हैं कावड़। क्या बोलते हैं? जो खूब सारे मंदिर होते हैं फिर लगातार यूं खोलने पड़ते हैं, मंदिर मंदिर में मंदिर मंदिर में मंदिर। तो दो प्रकार के लकड़ी के मंदिर होते हैं, एक तो अपने बेवान, एक क्या होती है? कावड़। भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं वो क्या होती है? बेवान। ये बेवान और कावड़ सबसे अच्छे बनते हैं अपने चित्तौड़गढ़ में, जगह बस्सी। कौन सी जगह? तो आगे हम काष्ट कला पढ़ेंगे तो मैं वापस पूछूंगा, बता दोगे सबसे अच्छे कहां बनते हैं? बस्सी में। एक जाति है, उस जाति का नाम है खेरादी। कौन सी जाति है? तो खेरादी समाज क्या बनाता है? मंदिर। किसके बनाता है? लकड़ी के मंदिरों क्या बोलते हैं? बेवान या कावड़। कहां पर बनाए जाते हैं? बस्सी। और एक बहुत अच्छे इसके एक मिस्त्री, उनका नाम है मांगीलाल जी। क्या नाम है? तो मांगीलाल मिस्त्री इसके सबसे अच्छे मिस्त्री है। तो कावड़ और बेवान बनाने के मिस्त्री कौन अच्छे? मांगीलाल मिस्त्री। कौन से समाज के लोग है? खेरादी। कौन से समाज के? क्या बनाते हैं लकड़ियों के मंदिर? बेवाण और कावड़। और उनके अंदर बेवाण के अंदर क्या लेके जाई जाती है? भगवान कृष्ण की मूर्ति। जल में ले जाके जाओ, जल में झुला के लाओ। जल देव झूलिया में भूलिया, गांव में कहते हैं कि देव झूलिया और मैं जल झूलने का एकादशी के बाद बारिश बंद हो जाती है। बस बारिश का सीजन इतना ही है, देव झूल लिए अब मैं भूल जाओ, मैं मतलब बारिश।
देव झूलिया, अब मैं नहीं आएगा। अब कोई मावठ बरस जाए तो अलग बात है, बाकी जो बारिश का सीजन होता है उसको क्या मान लिया जाता है, समाप्त मान लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद में आ गई आपकी अनंत चतुर्दशी, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी। तो अभी गणेश जी को हमने घर में रखा है, 10 दिन रखेंगे, कितने दिन रखेंगे, 10 दिन रखेंगे, और 10 दिन बाद में गणेश जी कहेंगे महाराज आप पधारो, अगली बार जल्दी वापस आओ। अंत चौदस लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, तो चतुर्थी के दिन गणेश जी को घर पे लाते हैं, 10 दिन बाद गणेश जी को बहा के आते। उसके बाद आ गई आपकी पूर्णिमा, और पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं आपके श्राद्ध। क्या शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध। श्राद्ध कितने होते हैं, 16। कितने होते हैं, 16। श्राद्ध में किसकी पूजा करते हैं, सांझी। किसी करते हैं, सांझी। किसकी बनाई जाती है, गोबर और मिट्टी। किसकी बनाई जाती है, 16 दिन 16 सांझी की पूजा की जाती है। सांझी वास्तव में माँ पार्वती का प्रतीक है। सांझी किसका प्रतीक है, माँ पार्वती का प्रतीक है। सिंझिया माता, गांव में तो सांझी बोला नहीं जाता, कहते सिंझिया माता है। तो डेली एक एक सिंझिया माता बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गोबर और मिट्टी की सिंझिया माता बनाई जाती है। पर नाथ द्वारा में ये बनती है केले, किसके बनती है, इसलिए आगे हम पढ़ेंगे कि नाथ द्वारा के चित्रकला में केले के पेड़ बनते हैं। किसके पेड़ बनते हैं, केले के पेड़ बनते हैं। तू इतना मोटा कैसे हो गया, क्या खाता है तू आजकल, है बीमार हो गया था, और बीमार हुआ तो मोटा हो गया, दवाइयों का सर है, और दिखा डॉक्टर को वापस। मुझे, मैं पहले देखा मुझे यार तू लग तो सच ही नहीं रहा है ना, अब अचानक क्यों मोटा होता जा रहा है। चल हाँ, ये अलग है हीरो भाई, ये मोटा हो रहेगा कुटेगा तुम्हें। चल तो श्राद्ध, श्राद्ध के अंदर किसकी पूजा की जाती है, सांझी। सांझी कितने दिन तक चलती है, 16। और नाथ द्वारा में किसकी सांझी बनती है, और अपने उदयपुर में एक मंदिर है मच्छंदर नाथ, कौन सा है, मत्स्यंदर नाथ, कौन सा है, अपने से मत्स्यंदर नाथ बोलने गाँव बोले मच्छंदर नाथ, क्या बोलते हैं, गोरखनाथ जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था मच्छंदर नाथ, इसलिए गोरखनाथ जी पर बहुत अच्छी बुक है, जाग मच्छंदर गोरख आयो, जाग मच्छंदर। असम में मच्छंदर नाथ जी को पकड़ लिया गया था, चला गए थे गोरखनाथ जी, वो जाके छुड़वा के लेके आए थे बाद में, इसलिए बाद में नाम पड़ गया कि जाग मच्छंदर गोरख। वो मत्स्यंदर नाथ मंदिर है अपने उदयपुर के अंदर, उसे क्या कहते हैं, सांझी, क्या कहते हैं। और श्राद्ध के दौरान कोई भी शुभ काम, जैसे ही श्राद्ध समाप्त होते हैं, शरद ऋतु चल रही होती है, इसलिए कौन से नवरात्र, कौन से, शरद आने वाले, अब जो नवरात्र आएंगे कौन से आएंगे, शरद। सर्दी से ठीक पहले की ऋतु होती है, शीत ऋतु से पहले की ऋतु, इसलिए क्या बोलते हैं, शरद। और शरद ऋतु के नवरात्र है तो शरद नवरात्र। नवरात्र 13 होते हैं या 17 होते हैं, 9 होते हैं। नवरात्रों में हमेशा अष्टमी का महत्व है, किसका महत्व है, क्या होता, पागल हो रखे हो तुम पेपर के अंदर, तो 13 होते हैं सर, 13 होते हैं, याद रखना, याद दिलाना पड़ता है भाई साहब, तो है ना, क्योंकि तुम यूं हो रखे हो, थल्ला हिलावा है तुम्हारा। मेरे से कोई मिलने आता और होता है, सर समझ में नहीं आ रहा दुनिया किधर जा रही है, किधर, इतना आदमी प्यार में बावड़ा नहीं होता जीता तुम। एग्जाम में बावड़े हो रखे हो यार तुम लोग। तो अष्टमी का महत्व होता है, बंगाल का बहुत बड़ा त्यौहार है, बंगाल में दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तो दुर्गाष्टमी है ना। अपने तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं होता, घर में होम करते हैं, क्या करते हैं, होम में होम किया जाता है, तो अपने क्या होम हुआ है जिसमें क्या किया जाए, है ना, इसलिए क्या बोलते हैं अपने इसको, होमाष्टमी। 2 दिन बाद में हम कहते हैं कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की, इसलिए क्या होगी, क्या बोल देते हैं, विजयादशमी। सबसे अच्छी कहाँ मनाई जाती है, कोटा, कहाँ मनाई जाती है, कोटा। राजा उमेद सिंह भी थे, उमेद सिंह के टाइम में बड़ा पॉपुलर हुआ था वहां पर ये त्यौहार। और हम ये पढ़ते हैं कि इस दिन दशहरे के दिन चूंकि हथियारों से जीत मिली, इसलिए किसकी पूजा की जाए, हथियारों की पूजा की जाए। हम कहते हैं कि इस दिन खेजड़ी, कि खेजड़ी ज्वलनशील तत्व होता है, जितनी ज्वाला खेजड़ी में उतनी ज्वाला उतनी ऊर्जा भगवान हमें दे, हम किसकी पूजा करते हैं, खेजड़ी। फिर अपने राजस्थान का तो क्या है, राज्य वृक्ष, राजस्थान का हम क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। हम कहते हैं भाई उससे अच्छा कोई पेड़ होता है, आपकी मान डाकण कुण के आम होता तो अपने कहते आम अच्छा होता है, आम था नहीं तो हमने क्या क्या अच्छा होता है, खेजड़ी होता है। हमने कहा भाई साहब सांगरी से अच्छी कोई सब्जी, खोखों से अच्छे कोई फल, कईयों को अब ये नहीं समझ आया खोखा क्या होता, कईयों को फिल्में देखा कि एक खोखा पहुंचाना इधर, वो खोखा नहीं है, सांगरी सूख जाती है उसको बोलते हैं खोखा। हम गांव में दोनों जेबों में डाल के घूमते थे, वो ड्राई फ्रूट्स वही हुआ करता था, खोखे खाते थे भाई साहब, खोखे और पातड़ी, पातड़ी किंकर, किंकर होती किंकर, बबूल जिसको तुम बबूल कहते हो उसकी पातड़ी, इनसे दोनों से ज्यादा अच्छे ड्राई फ्रूट मैंने आज तक, कंठ तो सुल जाया करते थे, हाँ तो
शाम को पानी जाना बंद हो जाता, पर खाते सार दिन खोखे पातड़ी थे। चलो तो विजयादशमी आती है, विजयादशमी को आपको लील टांस देख लेना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए? इस दिन लील टांस देख, लील टांस मतलब नीलकंठ, नीलकंठ मतलब भगवान शिव। तो रावण को शिव जी का वरदान था कि भाई रावण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके नाभि के अंदर तीर नहीं मारा जाए। तो राम जी जब उसके नाभि में तीर मारते हैं, उससे पहले शिव जी को याद करते हैं कि हे भोलेनाथ, अब मैं तुम्हारे चेले का और वो जो वरदान है उसको समाप्त करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं उनको नीलकंठ दिखाई दिए। भगवान शिव को भी नीलकंठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन में जहर निकला था, वो जहर पी गए थे, हलाहल पीने वाला वो भोला भंडारी, कंठ नीले पड़ गए, इसलिए क्या बोलते हैं। तो इसलिए आप लीलटांस देख लीजिए, नीलकंठ देख लीजिए, और अच्छे शब्दों बताऊं तो किंगफिशर। तो आपको नहीं दिखे मान लो तो आप पानी की बोतल लाइए, वो किंगफिशर वाली है ना, आप देख लेंगे उसे तो आपको अच्छा रहेगा। तो इस दिन किसको देखा जाना चाहिए? लीलटांस को। और अपने एक राइटर वे कन्हैया लाल सेठिया, कौन वे? और कन्हैया लाल जी कौन सी बुक लिख के गए थे? कौन सी लिख के? लील। और जब चूंकि शरद ऋतु होती है तो पूर्णिमा क्या होता है? शरद पूर्णिमा। भगवान कृष्ण ने पहली बार रास रचाया था, इसलिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रास। और हम कहते हैं, अंग्रेजी वाले कहते होंगे फुल मून, हर पूर्णिमा को फुल मून बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में फुल मून शरद पूर्णिमा का चांद होता है। शरद पूर्णिमा का चांद होता है उसको पूरा चांद माना जाता है। हम कहते हैं भाई साहब चांद नहीं है, उस दिन वहां से चांदनी नहीं बरस रही, अमृत बरस रहा है। क्या बरस रहा है? इसलिए खीर बनाइए, खीर बना के छत पे रखिए, उसमें अमृत बरसेगा, सुबह खाइए, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आंखों की रोशनी। तो जिन जिन के चश्मे लगे हुए पहले इस्तेमाल करो, और जिन के चश्मे नहीं लगे हुए आप प्लीज कम खाएं, डोबे फटके बाहर आ जाएं, है ना। फिर कहीं आप मेरे पे तोहमत लगाते घूमे कि मास्टर ने कहा था, तो ऐसे नहीं होगा ऐसा। तो शरद पूर्णिमा का दो या क्या कह दो? रास। इस दिन हम जोधपुर में एक महोत्सव मना रहे होते हैं, मारवाड़। कौन सा महोत्सव? चूंकि उसमें मांड गायन शैली होती है, इसलिए उसको बोलते हैं मांड महोत्सव। मांड जैसलमेर का पुराना नाम था, मांड किसका पुराना नाम था? जैसलमेर का पुराना नाम था। और मीराबाई चित्तौड़ की रानी थे, इसलिए चित्तौड़ में हम मना रहे होते हैं मीरा महोत्सव। क्या मना रहे होते हैं? मीरा महोत्सव। तो इधर तो देखोगे तो आप क्या जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15। इधर एक तो बाबरी बीज और बाबू महाराज का मेला, उसके बाद चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, उसके बाद में आपका पंचमी को ऋषि पंचमी, उसके बाद में आपका अष्टमी का राधाष्टमी, दशमी को तेजादशमी, एकादशी को जल झूलनी, चौदस को अनचौदस, और पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। फिर इधर जैसे ही आपके श्राद्ध समाप्त होंगे तो सांझी की पूजा हो जाएगी, और सांझी की पूजा के लास्ट दिन व्रत होता है थम्बूड़ा। कौन सा होता है? इधर आपके शरद नवरात्रे आएंगे, दुर्गाष्टमी होमाष्टमी आएगी, विजयादशमी आएगी, उसके बाद शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, उसके बाद में आ गया आपका कार्तिक। पहले मम्मी ने कहा कि पापा की उम्र लंबी कर दूंगी, इसलिए करवा चौथ। फिर कहा टावरों की भी लंबी कर दूंगी, 4 और 8। क्या क्या याद रखना है? कुल मिला के मम्मी को भूख मरना है, पहले पापा के लिए बाद में टावरों। तो पहले आपके करवा चौथ किसके लिए? संत मनसोना बेटों के लिए होता, तो बेटों के लिए, बेटों के लिए होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता। पर मैं ना लड़कियों की नाराजगी नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कह देता हूँ संतान के लिए, वरना तुम पकड़ी कूट दो कई बार तो मर गया भरोसा। पर ये इसलिए है क्योंकि लड़कियां वैसे भी ज्यादा जीती है भाई, जो कम जिएगा उसके लिए व्रत करेंगे ना। दो आदमी, एक जल्दी मरेगा एक बाद में मरेगा, तो किसके लिए व्रत किया जाए? महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से 5 साल ज्यादा है गांव में, नहीं है आधिकारिक आंकड़ा है, ऑफिशियल डाटा है भाई साहब ये। और गांव में आज थोड़ी बूढ़ी है, तब कहने लगे थे जब औसत आयु पता है, तभी कहते थे भाई ने गोई रोई को निखा है। कैसे नहीं मरे भैया, पुरुष बेचारा जल्दी मरता है, इसलिए उसके लिए मम्मी क्या करती है व्रत। तो ये तो ऐसा कोई वीडियो काट मत लेना रे, फिर कोई फेमिनिस्ट महिला है कहेगी देख लोगे। 4 और 8, उसके बाद 5 थे हमारे एक साथ, वीकेंड पूरा है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। कौन कौन से बताओ? धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली। धनतेरस को हम धनवंतरी जयंती बोलते हैं, 108 वाली एम्बुलेंस को फोन करो, वो आपकी धनवंतरी एम्बुलेंस योजना है। कभी यदि आपको SMS जाना पड़े, ना जाना पड़े, सो सलाम महाराज निरोग रखे आपको, पर कभी आपको जाना पड़े तो जैसे ही आप राइट के अंदर जाओगे वहां पर जो डिपार्टमेंट उसका नाम क्या है? धनवंतरी। हम कहते हैं समुद्र मंथन में ऋषि धनवंतरी जब बाहर आए थे तो अपने साथ में कलश लेके आए थे। क्या लेके आए? कलश के अंदर धातु थी, हीरे मोती सोने चांदी, इसलिए हम कहते हैं इस दिन धातु खरीदनी चाहिए। क्या खरीदनी चाहिए? धातु खरीदनी। तो पहले गांव में बर्तन खरीद के लाते, लोटेन कटोरियान चमचेन, है ना, इस प्रकार कुछ ना कुछ चीजें खरीद के लाते। फिर गांव वालों के पास पैसे ज्यादा आ गए तो उन्होंने गांव पंखा खरीद लेंगे, हम कूलर खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, और थोड़े पैसे आए तब का गाड़ी खरीद।
है ना, ऑडी खरीद लेंगे कुछ भी ऐसा कर लेंगे भाई, ये खरीद ले, हेलीकॉप्टर खरीदो ना, बोले अगले पास पैसे होने चाहिए क्या, तो आपके धनतेरस। उसके बाद क्या आ गई, रूपचम। अब चूंकि अगले दिन दिवाली होती है, इसलिए दिवाली होती है तो एक दिन पहले क्या रूप चमका लो, नहा लो, क्यों पश्चिमी राजस्थान में पानी था कम, इसलिए एकांतर नहाया करते थे, दिल्ली नहाते नहीं, दिल्ली नहाए वजन कम हो जाए भाई साहब, दिल्ली थोड़ी नहाना होता है, एकांतर नहाते, इसलिए कहा गया कल दिवाली आज तो रूप चमका लिया जाए, इसलिए क्या आती है रूप। दिवाली के बारे में आप जानते हो, दीपावली होती है, भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, भगवान महावीर का निर्वाण, भगवान महावीर का, इसलिए बड़ली अभिलेख में लिखा हुआ है वीर निर्माण संवत 84, क्या लिखा हुआ है, राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बड़ली अभिलेख, कौन सा अभिलेख है, और बड़ली अभिलेख में कौन से संवत की जानकारी मिलती है, वीर निर्माण संवत 84, मतलब भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद, भगवान महावीर की मृत्यु के, कौन सा अभिलेख लिखा गया था, बड़ली, उस वो बड़ली बताता कि माध्यमिका कैसा केंद्र था, जैन, माध्यमिका में कौन रहते थे, कि माध्यमिका एक जैन केंद्र था, किसको मिला था वो अभिलेख, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, किसको मिला था, बड़ली के कौन से मंदिर से मिला, भिलोट माता, कौन से मंदिर से, भिलोट माता मंदिर, कब मिला था उनको, 1912, कब मिला था, और हम जानते हैं कि इसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हुई थी, 30 अक्टूबर 1883, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी कौन सा होता है, दीपावली, भगवान महावीर का भी कौन सा होता है, आप ये भी जानते हैं कि दयानंद सरस्वती को नन्नी जान ने जहर दे दिया था, खुद का नाम नन्नी जान था पर स्वामी जी की जान ले गई थी, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह सेकंड, कौन राजा थे, जसवंत सिंह सेकंड, जोधपुर में एक महल है उसका नाम है राय का बाग महल, क्या नाम है, जसवंत सिंह फर्स्ट ने तो बनाया था, बनाया तो किसने था, जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी थी, उसका नाम था जसवंत दे, क्या नाम था, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी, धर्मत के उससे जसवंत सिंह वापस आया तो उसने किले के दरवाजे बंद किए, उस जसवंत दे ने राय का बाग महल बनाया था, जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी थी, जसवंत सिंह सेकंड को उसी महल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने डायलॉग सुनाए, नन्नी जान को पसंद नहीं आए, नन्नी जान ने जहर दे दिया, स्वामी जी की जान चली गई, कहां पर, अजमेर, कौन से त्यौहार के दिन, कौन से त्यौहार के दिन, दीपावली, तो तीन तो हो गए आपके, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली, उसके बाद आपके एकम, एकम को गोवर्धन, एकम क्या होता है, गोवर्धन, गोकुल वासियों पर इंद्र भगवान कुपित हुए, बारिश बारिश करनी शुरू कर दी, उस समय भगवान कृष्ण अपनी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, इसलिए हम किसकी पूजा करते हैं, गोवर्धन, इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिरों में उस दिन खाना बनाते हैं और खाना बना के बांटा जाता है, अन्नकूट, क्या होता है, हम कहते हैं भगवान कृष्ण का बड़ा मंदिर श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा में कौन सा मंदिर, श्रीनाथ, उसका नाम ही नाथ द्वारा इसलिए कि सिद्धनाथ जी है, वरना उसका पहले नाम था सिहाड़, क्या नाम था, मेवाड़ के रहना वागड़ थे राज सिंह, मेवाड़ के रहना कौन थे, मेवाड़ के रहना राज सिंह के टाइम में औरंगजेब मथुरा में मंदिर तोड़ने वाला था, कहां तोड़ने वाला था, और उस समय वहां दो पुजारी जी थे गोविंद दास और दामोदर दास, क्या क्या नाम था, वो मूर्ति लेके राज सिंह जी के पास आए थे, राज सिंह जी को कहा था राज सिंह जी प्लीज मंदिर बनवाइए, राज सिंह जी ने सिहाड़ गांव में नाथ जी का मंदिर बनवाया, इसलिए क्या कहलाया, श्रीनाथ द्वारा, क्या कहलाया, उन्होंने कहा गोविंद दास और दामोदर दास ने कि साहब बचा तो लोगे, औरंगजेब यहाँ आके कहीं पर मंदिर तोड़ गया, तो राज सिंह जी ने कहा औरंगजेब को उस मंदिर को तोड़ने के लिए कम से कम 1,00,000 फौजी चाहिए होंगे, कितने फौजी चाहिए होंगे, मेरे जब तक 1,00,000 फौजी नहीं मरेंगे तब तक इस मंदिर को टूटने नहीं दे, और मेरे वाले 1,00,000 मारने के लिए औरंगजेब को जोर आएगा, इसलिए औरंगजेब ऐसी कोई भी जरूरत करेगा निश्चिंत रहिए, उस नाथ द्वारा में अन्नकूट का बड़ा महोत्सव होता है, इसलिए हम बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव, क्या बोलते हैं, चूंकि राजसमंद के आसपास भील जनजाति ज्यादा रहती है, इसलिए अन्नकूट महोत्सव में कौन भाग लेता है, चावल बनाए जाते हैं, भील लूट के घर पे लेके जाते हैं, भीलों की लूट है, किसकी लूट है, और उस चावलों को अपने दूर दराज के रिश्तेदारों तक, अपनी बहन बेटियों तक पहुंचाते हैं, ऐसा कब किया जाता है, एकम, कब किया जाता है, एकम, कौन से महीने की, कार्तिक की, कौन से पक्ष की, आप यूं याद कीजिए दिवाली के अगले दिन, और उसके बाद आपके एकम के अगले दिन दूज, दूज को आप बोलते हो भाई दूज, यह न केवल भाई दूज होती है बल्कि यम दूज, कौन सी है, लड़कियां हमेशा सोचती है कि भाई रियम एक ही बात है सर, तो फर्क थोड़ी है दोनों के अंदर, तो इस दिन भाई दूज भी होती है, इस दिन क्या होती है, यम द्वितीया भी होती है, हमने हमें इस आपके 8 दिन बाद, दिवाली के 8 दिन बाद भगवान कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए गए थे, इसलिए बोलते हैं गोपाष्टमी, क्या बोलते हैं, तो पहले एकम, एकम को गोवर्धन, दूज को भाई दूज, अष्टमी को क्या जाती है, गोपाष्टमी। हम ये जानते हैं कि विटामिन सी लेना चाहिए, पर विटामिन सी मिलता है आंवले में, अपने पास डली खाने के लिए आंवला था नहीं, अपने पास खोखेन पातड़ी थे, तो आंवले कहां से खाते, इसलिए हमने एक दिन तय किया कि दिवाली के 9 दिन बाद हम क्या खाएंगे, इसलिए वो कौन सी होगी, कौन सी होगी, आंवला, आंवले खाने से आपके शरीर को किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होगा, आप अक्षय बने रहेंगे, क्या बने रहेंगे, आप पूरे बने रहेंगे, कोई भी कमी आपके शरीर में आएगी नहीं, इसलिए कौन सी नवमी होगी,
कौन सी हो गई? एक्सिन। और दिवाली के 11 दिन बाद भगवान विष्णु ने कहा मैं आराम करने जा रहा हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। वो पाताल लोक में चले गए 4 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? सॉरी, इस दिन उठ के आए थे वापस, इस दिन उठ के आए थे। 11 दिन बाद कहा गया अब भाई मेरा वो खत्म हो गया पाताल लोक वाला, अब मैं वापस जाऊंगा। आषाढ़ की एकादशी को सोने के लिए जाते हैं और कार्तिक की एकादशी को वापस आ जाते हैं। इसलिए कार्तिक वाली एकादशी को बोलते हैं देव उठनी। क्या बोलते हैं? देव उठनी एकादशी। और इसको चूंकि देवता जाग गए, जागने को बोलते हैं प्रबोध। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रबोधनी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पास जाके मिल गए, लक्ष्मी जी को बोलते हैं तुलसी। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तुलसी। तो इसको आप देव उठनी एकादशी कह सकते हो, इसको आप प्रबोधनी एकादशी कह सकते हो, इसको आप। इस दिन हमारा पुष्कर मेला शुरू हो जाता। कौन सा मेला शुरू हो जाता? होगा वो पूर्णिमा को, लेकिन शुरू आपके इसी दिन हो जाता है। वो पूर्णिमा को बाद में आपके सत्यनारायण पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार जो हुआ था, जन्म हुआ था, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या आती है आपकी? सत्यनारायण पूर्णिमा। भगवान सत्यनारायण स्वयं पधारे, विष्णु भगवान स्वयं आए, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? सत्यनारायण। हम जानते हैं कि इस दिन आपके पुष्कर में बहुत बड़ा मेला भरता है। जहां जहां बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, मतलब जहां पानी वाली वाटर बॉडी है, वहां पर पुष्कर वाला मेला भरता है। तो वाटर बॉडी पुष्कर के अंदर है। पुष्कर में बाकायदा घाट बने हुए हैं खूब सारे, 52 घाट। कितने घाट है? 52 घाट। उनमें एक घाट है वराह घाट। कौन सा घाट है? उसके सामने अरुणोराज का बनाया हुआ क्या था? वराह मंदिर, जिसको कौन तोड़ गया? जहांगीर। और जहांगीर ने क्या बनवा दी? महल। क्या बनवा दिए थे? महल। तो पुष्कर, पुष्कर में और खूब सारे मंदिर है। पुष्कर में आप जानते हो पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी। किसका मंदिर है? पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी की एक रानी थे सावित्री। क्या नाम था? ब्रह्मा जी की एक रानी और थे गायत्री। कौन थे? कहते हैं ब्रह्मा जी यहाँ यज्ञ में बैठने वाले थे और उन्होंने कहा किसी को जाके कि भाई मेरी पत्नी को बुला के लाओ, सावित्री जी को बुला के लेके आओ। आने में टाइम लगा, सावित्री जी श्रृंगार वगैरह करने में लग गए, तब तक पंडित जी ने कहा अरे जल्दी शुरू करवाओ, जल्दी शुरू करवाओ। तो ब्रह्मा जी ने एक ब्याह और किया गायत्री जी से और गायत्री जी फिर उनके अंदर बैठे साथ में। इसलिए बाद में उनमें गायत्री जी यज्ञ में बैठ गए उसमें, तो सावित्री जी नाराज हुए। सावित्री जी यहाँ पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए, इसलिए उनको रूठी रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा जी की रूठी रानी कौन है वो? तो यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, गायत्री जी का मंदिर भी है, सावित्री जी का। भगवान विष्णु का एक मंदिर है रंगनाथ। कौन सा मंदिर है? रंगनाथ। रंगनाथ वाला तो वराह मंदिर तो हमने पढ़ा ही था, वराह मंदिर तो पुष्कर वाला मैंने बताई दिया था। तो रंगनाथ मंदिर भी है, वराह मंदिर भी है। और हम पुष्कर को तो हम कहते हैं वो तीर्थ राज है। वो क्या है? सारे तीर्थ घूम लिए लेकिन पुष्कर नहीं घूमे तो कोई मतलब है नहीं। हम कहते हैं वो पवित्र तीर्थ है, कोंकण है। कौन सा तीर्थ है? हम कहते हैं वो तीर्थों का मामा है। किसका मामा है? तीर्थों का। और ये हमने ऐसे खूब बनाए, हमने कहा तीर्थों का भांजा भी होता है। धौलपुर के अंदर एक जगह पड़ती है मच्छकुंड। कौन सी है? कुंड बना हुआ है भाई साहब, कुंड बना हुआ, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मच्छकुंड। चरम रोग ठीक होते हैं ऐसा माना जाता है। तो वहां मच्छकुंड को हम बोलते हैं तीर्थों का क्या है? भांजा। तीर्थों क्या है? और ये सांबर के पास में अपने एक जगह पड़ता है देवयानी। कौन सी जगह? उसको हम कहते हैं तीर्थों की नानी है। क्या है? नानी हाल कंप्लीट। मामा है, भांजा है, नानी। तीर्थों का मामा पुष्कर। कहां पर है? पुष्कर। तीर्थों का भांजा मच्छकुंड कहां पर है? धौलपुर। तीर्थों की नानी देवयानी। देवयानी कहां पर? सांबर। सांबर कहां पर? अंडई से है ना। तो सांबर, सांबर के पास किसका मंदिर है? देव। किसका मंदिर है? देव। तो ये आपके मामा किसको कहते हैं? पुष्कर। और भांजा किसको कहते हैं? लो दो बात और बताऊं। और मामा भांजा का मंदिर है डूंगरपुर के अंदर। कहां पर मंदिर है? कोई पूछ लेगी मामा भांजा का मंदिर कहां पर है, तो मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर। एक अपने और पढ़ते हैं, मामा भांजा की छतरी जोधपुर पढ़ते हैं हम। धन्ना और भीमा की छतरी कह दो या क्या कह दो? मामा भांजा की छतरी। किले पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं मामा भांजा की छतरी या आपकी धन्ना भीमा की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो मामा भांजा का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर। कहां मंदिर है? जैनों का एक मंदिर, जैन मंदिर है। मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ जी का मंदिर है, उसको आपके मामा भांजा का मंदिर भी कहा। जैनों को जो तीर्थंकर हुए थे उनके मंदिर बने हुए यहाँ पे। तो कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला था अपना, कौन सा? पुष्कर। पुष्कर में क्या किया जाता है? दीपदान। क्या किया जाता है? इसलिए हम पिछली बार पढ़ रहे थे कि चंदन राज की रानी थी आत्म प्रभा, या उसका एक और नाम है रुद्राणी। वो पुष्कर झील में 1000 दीपक चलाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी, पढ़ रहे थे हम। अच्छा, एक मेला बढ़ता है आपका बीकानेर में, जगह पड़ती है कोलायत। कौन सी जगह पड़ती है? कपिल मुनि का आश्रम था। किसका आश्रम था? कपिल मुनि, जिन्होंने हमें एक दर्शन दिया था सांख्य। कौन सा दर्शन दिया था? तो सांख्य दर्शन देने वाले मुनि कौन थे? उन कपिल मुनि का मेला कहां पर बढ़ता है?
केवल कोलायत में इस दिन हिंदुओं के कपिल मुनि का मेला भरता है, बल्कि इसी दिन सिख मनाते हैं गुरु नानक जयंती। क्या मनाते हैं? और उनका मेला भी कहां भर रहा होता है? कोलायत। कहां भर रहा होता है? और एक चूरू में जगह पड़ती है सावा। कौन सी जगह? कोलायत। ये तो कोलायत में और एक कहां पर? सावा। सावा के अंदर किसके मेले होते हैं? गुरु नानक जी। किसके मेले होते हैं? तो गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा। कब आती है? कार्तिक। सत्यनारायण पूर्णिमा कब आती है? कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा। इसी दिन झालरा पाटन में मेला लग रहा होता है चंद्रभागा। कौन सा? चंद्रभागा मेला कहां पर होता है? झालरा पाटन के अंदर चंद्रभागा मेला होता है। चंद्रभागा नदी के किनारे, इसलिए मेले का नाम क्या हो गया? चंद्रभागा मेला। मालवी नस्ल के पशु आते हैं। कौन सी नस्ल के? झालावाड़ के पास मालवा लग जाता है, इसलिए कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? मालवी नस्ल के पशुओं को वहां पर लाया जाता है। और उस मेले को हम कहते हैं हाड़ोती का सुरंगा मेला। क्या कहते हैं? सतरंग, सारे के सारे रंग उसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए हाड़ोती का क्या हो गया? सुरंगा। राजस्थान ज्योग्राफी में विजय सियाग सर ने बताया होगा, चंबल बनास और सीप नदियां आकर मिलती है रामेश्वरम में। कहां मिलती है? इससे बड़ा तीर्थ स्थान क्या होगा? तीन तीन नदियां मिल रही है आके, इसलिए रामेश्वरम में भी इस दिन क्या होता है? मेला। तो कौन कौन से मेले हो गए? पुष्कर, कोलायत, चंद्रभागा। चंद्रभागा मेला कहां पर होता है? झालरापाटन। कहां पर होता है? झालरापाटन में खूब सारे मंदिर है, इसलिए झालरापाटन में सारे दिन घंटियां बजती रहती है, इसलिए झालरापाटन को बोलते हैं घंटियों का शहर। क्या बोलते हैं? किसे कहते हैं घंटियों का शहर? कहते हैं यहां पे 108 मंदिर है। कितने मंदिर है? 108 मंदिर है, जिनमें एक मंदिर तो बहुत ही फेमस है आपका शीतलेश्वर। कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर मंदिर है, 689 ईस्वी का। कब का है? कोई पूछेगा कि शीतलेश्वर मंदिर कौन से ईस्वी का है, तो कौन से ईस्वी का? एक गुप्तकालीन मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है कि उससे पुराना राजस्थान में तिथि युक्त मंदिर कोई नहीं। जिस मंदिर में तिथि लिखी हुई है वो सबसे पुराना मंदिर यदि कोई है तो कौन सा है? शीतलेश्वर मंदिर। शीतलेश्वर मंदिर कहां पर है? झालरापाटन। एक बहुत और फेमस मंदिर यहां का सूर्य मंदिर। यहां का कौन सा? यहां का सूर्य मंदिर बना हुआ है। सूर्य मंदिर के, इसका सूर्य मंदिर नाम है, इसका नाम है पद्मनाभ मंदिर। क्या नाम है? इसका नाम है सात सहेलियों का मंदिर। क्या नाम है? जेमस्टोन इसको कहता है चार भुजा मंदिर। क्या कहता है? क्या कहता है इसको? चार भुजा मंदिर। कहते हैं नागभट्ट सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? किसने बनवाया? प्रतिहार राजा तो नागभट्ट सेकंड था, उसने बनवाया था। कहते हैं मंदिर में आप जब मूर्ति देखते हो तो आपको लगता है कि सूर्य भगवान भी है और विष्णु भी है। सूर्य भी और विष्णु। ये भूमिज शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का? भूमि के अंदर से निकलता हुआ मंदिर से भूमिज शैली। भूमिज शैली के मंदिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन मंदिरों को हम बोलते हैं पंचरथ, सप्तरथ, नवरथ, यूं रथ मंदिर बने हुए होते हैं। इसलिए ये अपने वाला जो है ये सप्तरथ है। कैसा है? इसलिए बोलते हैं सात सहेलियों का। क्या बोलते हैं? तो झालरापाटन के, झालरापाटन क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। क्या कहते हैं? या तो घंटियों का शहर कहते हैं इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम में इतने चर्च है, उसको कहते हैं सिटी ऑफ बेल्स। या घंटियों का शहर किसको कहा जाता है? हमारे झालरापाटन। झालरापाटन में तिथि युक्त सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव, जो कि कब का है। और यहाँ पर एक कौन सा मंदिर बना हुआ है? सूर्य मंदिर। उसको और क्या कहते हैं? पद्मनाभ मंदिर। और क्या कहते हैं? सात सहेलियों का मंदिर। जेमस्टोन क्या कहता है? चारों। किसने बनवाया था? प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड। कौन सी शैली का मंदिर है? सात सहेलियों का, इसलिए क्या बोलते हैं? सप्तरथ। और किस किस की मूर्ति है? सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की मूर्ति। एक ही मूर्ति में आपको दोनों भाव दिखाई देते हैं, सूर्य के भाव भी और विष्णु के। तो सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की मूर्ति कहां पर है? झालरापाटन। कहां पर है? झालरापाटन। झालरापाटन के कौन से मंदिर में? कौन से मंदिर में? सूर्य मंदिर। और क्या क्या नाम है उसके? पद्मनाभ मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, टोड क्या कहता है? चार भुजा मंदिर। किस किस के सम्मिलित भाव की मूर्ति है? कौन सी शैली का मंदिर है? कौन सी शैली का? भूमिज शैली का। और कितने रथ है इसमें, इसलिए क्या बोलते हैं? सात से। इस भूमिज शैली का राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर। कौन सा? पाली में एक जगह पड़ती है सेवाड़ी। यहां का जो जैन मंदिर है वो इस शैली का क्या है? सबसे पुराना। इस शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सेवाड़ी का जैन मंदिर। तो ये आपके कार्तिक पूर्णिमा दिमाग में रहेगी। कार्तिक के बाद में अगले दो महीने कौन से आते हैं? मार्ग, सिरसो और पौष। इनमें कोई भी त्यौहार नहीं होता है। तो उसके बाद में क्या आ गया आपका? माघ। माघ में सिंपल सीधा है, माघ में ठंड ज्यादा पड़ती है, ठंड में आपको तिल के लड्डू खाने का जी करता है। तिल चौथ और तिल ग्यारस। क्या क्या है? पहले तिल चौथ और बाद में तिल ग्यारस। तिल चौथ को हम और बोल देते हैं संकट हरण चतुर्थ। क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? संकट। कि भाई चौथ माता सबके क्या हर लेती है? संकट। अपने एक जगह पड़ती है यहाँ पे सिवाड़, सॉरी सिवाड़ क्या रही है आपकी, चौथ का बरवाड़ा। कौन सी जगह? चौथ का बरवाड़ा। वहां चौथ माता का क्या लगता है?
मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा, नाम ही चौथ का बरवाड़ा इसका। और ये सब के संकट डर लेती है, इसलिए कैटरीना कैफ शादी करने के लिए यही आई थी। कैटरीना कैफ की शादी कहां पर हुई थी? चौथ का बरवाड़ा। तो चौथ माता की धोख लगाने आई थी, गे चौथ माता संकट, किसी प्रकार का सलमान खान टाइप का संकट नहीं आना चाहिए। संकट डर लिया माता जी ने, संकट डर। अगली कौन सी होती है? सट तिल। सट मतलब छह, तिला मतलब तिल, छह प्रकार के तिलहन का दान किया जाए, इसलिए सट तिल। पंडित जी ने पहले कहा कि तिल चौथ, खुद तिल के लड्डू खाओ, फिर पंडित जी ने कहा हमारा भी ध्यान रखो यार, छह प्रकार के तिलहन का क्या करो दान। फिर एक वर्त ऐसा बनाया गया जिसमें चुप रहना होता, क्या करना होता है? चुप रहना होता है। मनुष्य मनुष्यों में पुरुष इस मामले में चालू आदमी निकला, उसे पता था कि महिलाएं भूखी रह सकती है, एक दिन चुप भी तो रहे, एक दिन मौन रहे, इसलिए क्या मक्की गई? तिल चौथ, तिल ग्यारस, मौनी अमावस। फिर चुपचाप ही व्रत करने होते हैं, किसी को बताना, अरे बोलना नहीं, कौन से आगे बोलना नहीं है, तो चुपचाप करने होते हैं। कैसे करने होते हैं? चुपचाप करने। चूंकि बसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है, तो इसलिए बसंत पंचमी क्या होती है? अपने विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, माँ सरस्वती की पूजा की जाए। स्कूल में जाया करते थे पीले कपड़े पहन के, पीले पीले फूल लेके जाते और बागदा प्रार्थना गाते, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें। उन प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं है, अभी तक अज्ञानता दूर ही। लड़कियां कहती सर इस दिन हमें एक मेडल मिलता है, कौन सा पुरस्कार मिलता है? राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद होता है, उपनिषदों में ऐसी कहानी है, क्यों संवाद होता है? संवाद में गार्गी याज्ञवल्क्य से जीतने वाली होती है और याज्ञवल्क्य गुस्सा आता है, याज्ञवल्क्य कहता है गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इसका मतलब गार्गी जीत रही है, इसका मतलब गार्गी बहुत पढ़ी लिखी महिला है, इसका मतलब प्राचीन काल में हम लड़कियों को पढ़ाया करते थे। गार्गी राजा जनक की सभा में खड़े होकर डिबेट कर, इसका मतलब पर्दा प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा। इसलिए दयानंद सरस्वती कह के गए थे बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, हम समाज को वैसा बनाएंगे जैसे आर्यों का समाज था। आर्यों के समाज में व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हम भी इन व्यवस्थाओं को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम आर्यों जैसा समाज बनाएंगे। आर्य का मतलब था श्रेष्ठ, क्या मतलब होता है? तो हम कैसा समाज बनाएंगे? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समाज बनाएंगे। फिर आपका पूर्णिमा क्या हो जाता है? बेण, कौन सा मिला? बेणेश्वर। आप पुणे कहेंगे सर तीन नदियां उधर भी मिल रही है, सोम, माही और जाखम, कौन कौन सी? उन सोम, माही, जाखम नदियों के किनारे शिव जी का मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग टूटा हुआ है, एकमात्र शिवलिंग है ना, खंडित शिवलिंग। कहां पूजा की जाती है? नवा टापरा। कहां की जाती है? नवा टापरा में। कौन सी तीन नदियां मिल रही है? आदिवासी थी, बड़ी संख्या में जाते हैं, हम कहते हैं आदिवासियों का, हम कहते हैं जो महत्व है हम लोगों के लिए इधर पुष्कर का है, वागड़ वालों के लिए वही किसका है? बेणेश्वर का। इसलिए बेणेश्वर उनके लिए क्या है? वागड़ का। हम कहते हैं वहां एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था माऊजी, माऊजी महाराज। कौन से हुए? माऊजी महाराज। और माऊजी महाराज ने इसकी स्थापना की। माऊजी महाराज के एक बेटे थे, उनका नाम था जनक कुंवरी, क्या नाम था? वो यहाँ किसका मंदिर बनवा गए? विष्णु। दो चले थे उनके, अजय और वज्जे। अजय और वज्जे ने किसका बनवा दिया? लक्ष्मी नारायण। कौन सा मंदिर बनवा दिया? हम ये भी जानते हैं कि वागड़ की भाषा कौन सी? वागड़ी। इसलिए संत माऊजी महाराज ने अपने जो भी उपदेश दिए वो किस में दिए? वागड़ी में। हम ये भी जानते हैं कि हिंदू ये मानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे, 9 अवतार अब तक हो चुके हैं, एक अवतार होना बाकी है कल की। और हम कहते हैं जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन भगवान विष्णु आएंगे, सभी पापियों को मार देंगे, सज्जन बचेंगे, इसलिए सज्जनों का युग आएगा, वो कौन सा होगा? सतयुग। उस दिन कलयुग क्या हो जाएगा? समाप्त। और वो जो कलयुग को समाप्त करने के लिए अवतार होगा वो होगा कल की, कौन सा होगा? पर संत माऊ जी के चले कहते हैं हो चुका है, संत माऊ जी कल के अवतार, संत माऊ जी क्या है? पर संत माऊ जी खुद भगवान कृष्ण की पूजा किया करते, वो कहते भगवान कृष्ण पे कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक है भगवान कृष्ण, कैसे हैं? इसलिए संत माऊ जी कौन सा संप्रदाय चला के, कौन सा? और संत माऊ जी महाराज एक बुक लिख के गए चोपड़ा, कौन सी? जिसके कितने भाग है? कितने भाग है? कौन कौन से? प्रेम सागर, मेघ सागर, साम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। बताओ कौन कौन से? प्रेम सागर, मेघ सागर, साम सागर, रतन सागर। प्रेम चोपड़ा, मेघ चोपड़ा, साम चोपड़ा, रतन चोपड़ा, अनंत चोपड़ा। एक प्रेम चोपड़ा, कौन है? गुंडे थे पुरानी फिल्मों के अंदर, प्रेम चोपड़ा। तो प्रेम सागर है ना। और ये बुक दिवाली के दिन पढ़ी जाती है भाई साहब। कब पढ़ी जाती है? और कभी नहीं पढ़ जाती। कब पढ़ेंगे? दिवाली। और ऐसे लिखी हुई डिबेट, आप मेरे से सवाल पूछो मैं जवाब दूं, फिर मैं आपसे पूछूं आप जवाब, डिबेट स्टाइल में। किसमें लिखी हुई है? और भविष्यवाणी है क्या इसमें? इसमें काफी टाइम पहले संत माऊजी महाराज तब लिख के चले गए थे,
कि एक दिन तारों के माध्यम से लाइट आएगी, तारों के माध्यम से दूरिया दूरिया दीवावल से तारों के माध्यम से क्या जलेंगे, दिए जलेंगे। एक दिन वो कह के गए थे कि बोतल में पानी मिलेगा, बोतल में पानी। इसलिए आज भी गांव में बिलसरी मिल रही है, शहर में तो बिस्लरी है, गांव में तो हमारी क्या अभी तक बिलसरी मिल रही है उधर अपने। वो तब कह के गए थे कि एक दिन एक आदमी गुजरात से आएगा और पूरी दुनिया में महात्मा गांधी। आपका मन और किसी के बारे में सोचता, मावजी महाराज क्या करे, मावजी महाराज तो किसका बता के गए थे, गांधी जी का ही बता के गए थे मावजी महाराज तो। और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले बच्चे कहते हैं कि सर उस बुक में लिखा हुआ है एक दिन दुनिया में प्रलय होगी, सब कुछ समाप्त, केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा बचेंगे। क्या बचेंगे? सब मर जाएंगे, केवल त्रिपाठी जिंदा रहेगा। तो सब मर जाएंगे, कौन बाकी रहेंगे? मेरे को जिस दिन ये बताया था उस दिन अपने प्लॉट ले लिया था, उधर भूकंप आया था ना, भूकंप उस दिन गाड़ी स्टार्ट कर दी थी 200 फुट क्रॉस कर गया था मैं। फिर भाइयों ने फोन किया, भाई साहब आ जाओ, नहीं जा रहा है, एक बार सुबह तक जा पहुंचोगे, वापस आओगे, अभी वापस आ जाओ, तो वापस आया था। जिस दिन लगा कि एक भी यूं हो रहा है, अपने भाई साहब माऊजी महाराज का नाम लेके कहां चले जाएंगे। माऊजी महाराज का जन्म हुआ था साबला, कहां हुआ था? सबल आदमी थे यार, बलशाली आदमी थे, तभी इस प्रकार की बातें बता गए, इतने साल पहले ये सब बातें बता के चले गए थे वो। अच्छा, तो ये बेणेश्वर मेला याद रह जाएगा। उसके बाद आ गया आपका फेवरेट महीना फागण, कौन सा आ गया? फागण का महीना। अगर फागण में कृष्ण पक्ष के अंदर तो होती है शिवरात्रि, क्या होती है? शिव और पार्वती की शादी, शिव पार्वती की शादी, इसलिए क्या हो गई? शिवरात्रि। शिवाड़ में मेला, कहां पर मेला? घुसमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? महादेव जी का कोई नाम हो सकता, महादेव जी घुसे में थोड़े जमीन में, इसलिए कौन से हो गए? कौन से हो गए? घुसमेश्वर महादेव। तो घुसमेश्वर महादेव मेला कहां पर होता है? शिवा। कब होता है? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आती है कब? आती है कब? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। कृष्ण पक्ष की कब आती है? रात्रि, रात्रि को शादी भी इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि हमेशा मानते हैं। शिवाड़ में हमारे 12वां ज्योतिर्लिंग, कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो जो 12 ज्योतिर्लिंग उनमें 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर है? अपने शिवाड़। ऐसा हम ही मानते हैं, बाकी तो नहीं मान रहे लोग, पर हम कह रहे हैं तो है वैसा। तो शिवाड़ में कौन से महादेव जी है? कौन से महादेव जी है? कौन से? घुसमेश्वर महादेव। फिर आपके शुक्ल पक्ष, उधर शुक्ल पक्ष आ गया, एक नक्षत्र आता है शुभ नक्षत्र है, बिना पंडित जी से पूछे शादी ब्याह कर सकते हो, फुलेरा नक्षत्र, इसलिए कौन सा हो गया? फुलेरा दूज। और फुलेरा दूज के बाद पूर्णिमा को होली में आप जानते हैं कौन सी आ जाती है? पूर्णिमा क्या जाएगी? होली। बताओ तो कौड़ा मार होली, भिनाए अजमेर, लठमार, लठमार महावीर जी, महावीर जी करोल, और बाटा मार, बाढ़ मार में है ना, इलो जी की बरात। होलिका जो थे ना, होलिका जो प्रहलाद को गोद में लेके बैठे, होलिका जलगर प्रहलाद, तो होलिका के मंगेतर थे, उनका नाम था इलोची। क्या नाम था? अब होलिका तो जल गई, फिर अकेले किसकी बारात निकली? इलोची वफादार, दूसरा ब्याह उनका एक हो गया, जो हो गया। अब तो इलोची की बारात भी कहाँ निकलती है? बाड़मेर के अंदर निकलती है। बादशाह की सवारी कहां पर होती है? ब्यावत। बादशाह होता है उसमें टोडरमल, कौन होता है? कोटा में सांगोद नाम की जगह पे झांकियां निकलती है, नाण, क्या बोलते हैं? और जन्म प्रण मरण का त्यौहार, जन्म प्रण मरण का त्यौहार, बंदा जन्म लेता है, उसकी शादी होती है, वो मर जाता है, इसलिए कौन सा त्यौहार हो गया? जन्म प्रण मरण का त्यौहार। कहां पर होता है? भिनाए में राजस्थान की पहली सहकारी समिति स्थापित की गई, 1956 काल पड़ा था, 1899 में 56 काल पड़ा, इसलिए लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल था, इसलिए हम कहते हैं कि तिलक ने कहा था क्या दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आ गए। कौन सा अकाल था वो? इसलिए 56 काल से किसानों को बचाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी सहकारी समितियां। क्या बनाई थी? जहां जहां अंग्रेजों का राज था वहां वहां बनी। अंग्रेजों का राज राजस्थान में कहां था? अजमेर। अजमेर में कहां बनाई गई? भिनाए। वो एक्ट आया था 1904, इसलिए समिति भी कब बनी? 1900। तो राजस्थान की पहली सहकारी समिति भिनाए अजमेर कब बनाई गई? अच्छा, और बताओ दे, ग्रासिया जनजाति की सहकारी समिति क्या बोलते हैं? हेलरू। क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति की जो सहकारी समिति, उसको क्या कहते हैं? हेलरू। क्या बोलते हैं? मैं वापस जनजातियों वापस पूछूंगा।
अच्छा पहले चैत्र है यार, चैत्र, चैत्र में होली के अगले दिन आप जानते हैं दुलंड, 8 दिन बाद में बासी भोजन करना होता है, शीतल भोजन करना होता है, ठंडा भोजन, तो शीतलाष्टमी या हम बोलते हैं बासोड़ा। क्या बोलते हैं? पिछली बार हमने बात कर ली थी मेला कहां पर लगता है, चाकसू, चाकसू वाला मंदिर किसने बनवाया था? माधो सिंह। किसने बनवाया था? शीतला माता का वाहन क्या है? गधा। इसलिए किसका मेला होता है? लोग दूर दूर से बैलगाड़ियां लेके आते, क्या लेके आते हैं, इसलिए मेले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी। एकमात्र देवी जिनकी, पर माता जी स्वयं खंडित है, पर आपको खंडित होने, आपको चेचक से बचाती है। किसे बचाती है? तो कैसी देवी आपके चेचक रख सकती है? कैसी भी देवी है, महिला इसलिए पूजा करती है कि संतान। माता जी अपने टाइम की अच्छी गायकोनोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। कौन सी माता जी थे? शीतला, ठंडे दिमाग वाले माता जी, इसलिए नाम ही क्या हो गया। पहला प्रसाद दिया था कुम्हार जाति के व्यक्ति को, इसलिए कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा। इसके बाद अपने आगे शुक्ल पक्ष, हम जानते हैं कि नया साल कब आता है, चैत्र शुक्ल एकम कब आता है, इसलिए हमने राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया? चौथा चरण। कौन सा? जिसमें कितनी रियासतें मिलाई गई? चरण चौथा, तो रियासत कितनी? 4, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वरहत राजस्थान। बड़ी बड़ी रियासतें, बड़ा राजस्थान, बड़े को वरहत कहते हैं, तो वरहत राजस्थान। उद्घाटन कहां पे किया गया? जयपुर। कौन आया करने के लिए? वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि ये कैलेंडर हमने फॉलो करना बंद कर दिया, इसलिए आजकल हम कहते हैं कि उद्घाटन कब किया गया? 30 मार्च। इसलिए हम बोलते हैं 30 मार्च को क्या आता है? राजस्थान दिवस। और इसमें मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह, उनको बनाया गया महाराज, और जयपुर वाले मान सिंह को राज प्रमुख। क्या बनाया गया? और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री। क्या बनाया गया? आप क्या लगा मैं उपराज प्रमुख पूछूंगा? नहीं पूछ रहा, मैं प्रधानमंत्री पूछूंगा। बताओ कौन बना था? हीरालाल। और लड़पड़े वहां पे राजधानी जयपुर होनी चाहिए या जोधपुर, इसलिए कमेटी बनाई गई, बीआर पटेल। कौन सी कमेटी? और बीआर पटेल कमेटी, इनका राजधानी जो क्या दे दो? जयपुर। जोधपुर वालों को दे दो, क्या दे दो? ये पढ़ा था हमने उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद में आ गए आपके गणगौर, तीज त्योहार आम बावड़ी, तीज पे त्योहार वापस आते हैं गणगौर के साथ। तो गणगौर कब आती है? चैत्र। गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पर्वत। शिवरात्रि के दिन शादी हुई थी, इस दिन मुकलावा हुआ था, गोना हुआ था, है ना, गोना हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? गणगौर। सबसे अच्छी गणगौर कहां पे? जयपुर। उदयपुर की गणगौर का वर्णन करके गया जेम्सटोन। कौन करके गया? सबसे अधिक गीत यदि किसी त्योहार पे गाए जाते हैं, किस पे गाए जाते हैं? लड़कियां व्रत रखती है कि हमें तो अच्छा, भाई को अच्छी, भाई को अच्छी पत्नी मिले और हमारे लिए अच्छा पति। ये व्रत लड़कियां कब रखती है? कब रखती है? जैसलमेर वालों का ईसर लूट के ले गए बीकानेर वाले। कौन लूट के ले गए? लूटने तो आए थे गौर, पार्वती जी को लूटने आए कि पार्वती जी गहने बने होंगे मूर्ति के, वो ले जाएंगे। हाथ आए उनके शिव जी ने कहा मुझे ले चलो, है ना। इसलिए जैसलमेर वालों के पास अभी भी ईसर नहीं है, वो खाली किसकी सवारी निकालते हैं? गौर। तीज के दिन तो निकाल ही नहीं पाए, कब निकलती है? चौथ। कब निकलती है? और पंचमी को नाथ द्वारा वाले कहते हैं मंदिर में चढ़ाएंगे गुलाबी रंग की चुनरी, इसलिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुलाबी गणगौर। उसके बाद में आपके अशोक की पूजा की जाए, इसलिए कौन सा आ गया? उन नवरात्रों में तो क्या आती है आपकी? दुर्गाष्टमी। इन नवरात्रों में क्या आती है? क्या आती है? अशोकाष्टमी। राम जी का बर्थडे हुआ, राम जी के प्रिय भक्त कौन? हनुमान। हनुमान जयंती कब आती है? हनुमान जयंती पूर्णिमा कब आती है? पूर्णिमा को आती है। आपका जो चूरू में कहां पर? सालासर। दौसा में कहां पर? बाकी सब जगह बालाजी महाराज क्लीन से हुए, सालासर में उन्होंने कहा। तो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहां पर? सालासर के अंदर। बालाजी की जयंती कब आती है? कौन सी पूर्णिमा? अब सुनना देखो, गणगौर कब आती है बता दो मेरे को। गणगौर के 15 दिन बाद धिंगागौर, धिंगागौर के 15 दिन बाद अखातीज। गणगौर के 15 दिन बाद धिंगागौर, धिंगागौर के 15 दिन बाद धिंगा। जबरदस्ती जबरदस्ती गणगौर मना ली, इसलिए क्या हो गई? धिंगागौर। जोधपुर में मेला होता है धिंगागौर मेला, क्या होता है? धिंगागौर मेला। और उसके 15 दिन बाद में क्या आ जाती है? अखातीज। अखा मतलब अक्षय, तीज मतलब तृतीया, तो अखातीज को क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। बीकानेर की स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर वाले क्या उड़ाते हैं?
इस दिन अखबार भरा रहता है, बालम छोटो सोर बालिका वधु, सबसे अधिक बाल विवाह यदि किसी दिन होते हैं तो कब होते हैं, कब होते हैं? और वैशाख की पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इस पूर्णिमा को भगवान बुद्ध घर छोड़ के गए, इस पूर्णिमा दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, इसको अपना पहला उपदेश दिया, इस दिन उनकी मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध के जीवन में केवल वैशाख पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा, इसलिए क्या हो गई वो बुद्ध पूर्णिमा, क्या हो गई? इसलिए 1974 में जब हमने हमारा परमाणु परीक्षण पोखरण में इस दिन किया, हमने उसका नाम रखा बद्दा स्माइलिंग। क्या नाम रखा? वह व्यक्ति जो पूरे जीवन कहता रहा कि युद्ध नहीं युद्ध नहीं युद्ध नहीं, उसके बर्थडे पे हमने क्या फोड़ा? हेलो, भगवान बुद्ध क्या याद रखोगे? आओ तो बम फोड़ते हैं आज, मजा आएगा, आप ही मुस्कुरा दो इस पे। तो हम कहते हैं बुद्धा इस बुद्धा स्माइलिंग। और चूंकि हम कहते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, किसके नीचे भी? पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए कौन सी हो गई? इसलिए लड़कियां सुबह सुबह जल्दी उठती है, पीपल के पेड़ में पानी डाल के आती है, गांव में कहते पीपल सिंचा, क्या करती है? पीपल सींचती है। और ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन यदि तुम मुझे पेड़ समझते हो तो मैं किसका पेड़ हूं? तो लड़कियां कहते हैं जिस प्रकार पेड़ पीपल का पेड़ सर्वश्रेष्ठ है, वैसे हमें क्या मिले सर्वश्रेष्ठ? लड़कियों का टारगेट, अपने टारगेट से लड़कियां आज भी भटकी है ना, अर्जुन की आंख की तरह एकदम अच्छा पति चाहिए और कुछ भी चाहिए। पर लड़कियों इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि आगे आंकड़े हैं, आगे क्या है। लड़को तुम मत खुश हो रहे, अपनी बेइज्जती है इसमें, अपने को आंकड़ा कहा गया है सबको, तुम राजी हो रहे? हाँ सर, आंकड़े नहीं हम धतूरे हैं सर, धतूरे। ऐसे कौन राजी होता है यार अपनी बेइज्जती, तुम राजी हो रहे हो? या तो कार्तिक पूर्णिमा पे ज्यादा मेले भरते हैं, या ज्यादा मेले कब भरते हैं? अब बढ़ते हैं बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का दो या क्या कर दो? बुद्ध पूर्णिमा। बताओ कौन कौन से? अर्जुन ने विराटनगर में बाण मार के गंगा निकाल दी, इसलिए कौन सा हो गया? बाण गंगा मेला। कहां पर? विराटनगर। इसलिए विराटनगर की जानकारी कहां से मिलती है? महाभारत। कहां से मिलती है? विराटनगर किसकी राजधानी था? मत्स्य महाजनपद। इसलिए गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद कौन सा शक्तिशाली हो गया था? मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली हुए तो भिड़ गए जाके उधर मध्य प्रदेश में चेदियों से। किसे भिड़ गए? चेदियों ने कूट दिया। तो किससे हारे थे? चेदियों। उस चेदी चेदी जहां की राजकुमारी थी कर्पूरी देवी। कौन राजकुमारी थी? वो चेदी जहां के राजा थे शिशुपाल। कौन थे? जिन शिशुपाल का भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया था? वध। इसलिए माघ ने बुक लिखी शिशुपाल वध। माघ की बुक का नाम क्या है? माघ कहां के रहने वाले थे? भीनमाल। कहां के? उसमें भीनमाल में कौन से वंश के राजा थे? चावड़ा। कौन से? उसी समय भारत का न्यूटन भी वहीं पर रह रहा था। ब्रह्मगुप्त कौन रह रहा था? और ब्रह्मगुप्त ने दो किताबें कौन सी लिखी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादे। कौन कौन सी? अल सिंध हिंद और अल अरकंद। अरबी भाषा में उनके अनुवाद है। क्या नाम है? अल सिंध हिंद अल अरकंद। बोलो, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अनुवाद का नाम क्या है? अल सिंध हिंद। किसका नाम है ये? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का। खंड खाद्य का क्या है? अल अरकन। ब्रह्मगुप्त को क्या कहा जाता है भारत का? कहां के रहने वाले थे वो? भीम वालों। उसमें कौन से वंश का राज था? चावड़ाओं की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? बसंतगढ़। कौन सा अभिलेख? जो कौन सी माता जी के मंदिर से प्राप्त होता है? खिमेल माता। कौन सी? जो कौन से चावड़ा राजा की जानकारी देता है? वर्मलात। किसकी जानकारी देता है? वर्मलात की जानकारी देता है। तो एक तो वो बाण गंगा मेला कहां पर लगता है? विराट। एक आप जानते हो मातृकुंडिया। कौन सा मेला? जहां से आपके दो आंदोलन जुड़े हुए हैं, एक तो आपका एक ही मोतीलाल तेजावत वाला एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने कितनी मांगे रखी थी? कितनी? 21। उन मांगों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। और इसी दिन से आपका जुड़ा हुआ है खालसा का जाट आंदोलन। कौन सा? खालसा वाला जो जाट आंदोलन है मेवाड़ वाला, किसकी खेती के लिए? अफीम। किसकी खेती के लिए? अफीम कमीशन कब बना था? 1893। कब बना था? गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893। विवेकानंद जी शिकागो कब गए थे? एनी बिसेंट भारत कब आई थी? अरविंद घोष भारत कब आए थे? अरे बोल दो, यही है, मुझे बता तुम्हें नहीं पता। अफीम कमीशन कब बना था? सब चीजों का एक उत्तर है। कौन सा उत्तर है? उस अफीम की खेती के लिए हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? खालसा का जाट आंदोलन। उसमें भी कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार क्या कहा जाता है?
इसी दिन एक मेला होता है आपके आबू के अंदर, नखी झील, कौन सा मेला? आबू में वहां कौन सी जनजाति रहती है? ग्रासिया। तो ग्रासिया नखी झील को क्या मानते हैं? अपना पवित्र स्थान। वो यहाँ क्या करते हैं? अपनी अस्थियों का विसर्जन। इसी दिन आपके झालरापाटन में एक मेला हो रहा होता है, गोमती सागर, कौन सा? चंद्रभागा कार्तिक पूर्णिमा, गोमती सागर वैशाख पूर्णिमा, है ना? झालरापाटन दोनों मेले किस प्रकार के मेले हैं? कैसे? पशु मेले। कौन सी नस्ल के पशु आएंगे? झालरापाटन को किसका शहर कहा जाता है? घंटियों का शहर। शीतलेश्वर मंदिर कब का है? सूर्य मंदिर के और क्या क्या नाम है? पद्मनाभ मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, टोड क्या कहता है? कौन सी शैली का मंदिर है? भूमिज। कितने रथ? सप्त रथ। किस किस के सम्मिलित भाव की मूर्ति? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की मूर्तियां होती। यही मेला, एक मेला और वो है उसमें, गौतमेश्वर। कौन सा है? गौतमेश्वर मेला। कौन सा मेला? गौतमेश्वर मेला होता है। गौतमेश्वर मेला कहां पर होता है? अरणोद। कहां पर होता है? इन गौतमेश्वर को मीणा जनजाति कहती है, भूरिया बाबा। क्या कहती है? एक मेला तो आपको बताइए, अरणोद, वहां पर मेरा पढ़ाया हुआ होगा। अरणोद कहां पर है? प्रतापगढ़। एक सिरोही में मेला होता है, पोसालिया। कौन सी जगह पे? तो पोसालिया तो कहां पर है आपका? सिरोही। और अरणोद कहां पर है आपका? प्रतापगढ़। वैशाख पूर्णिमा के मेले, कब के मेले? तो वैशाख पूर्णिमा के पांच मेले हैं, कौन कौन से? बाणगंगा मेला, बोलो कहां पे? मातृगुंडिया मेला, गोमती सागर मेला, नक्की झील का मेला, और गौतमेश्वर मेला। मीणा जनजाति क्या कहती है इनको? ये तो अरणोद प्रतापगढ़। एक और मेला कहां पर है? पोसाली। पोसालिया कहां पर पड़ता है? कहां पर पड़ता है? याद रह जाएगी बात आपके। चलो, इसके बाद आपका वैसाख हो गया। वैसाख के बाद में क्या आ गया? जेठ। बताओ जेठ के महीने में गर्मी कम या ज्यादा? गर्मी ज्यादा पड़ती। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हमने पेड़ पौधों की पूजा की। पेड़ पौधों की तो वटवृक्ष। किसकी पूजा की? तो इसलिए अमावस्या क्या बोलते हैं? वटवृक्ष। क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि जिस प्रकार सावित्री जी यमराज के चंगुल से अपने पति सत्यवान को बचा लाए थे, उसी प्रकार यदि हम पेड़ पौधों को रखेंगे तो हमारे प्राणों की रक्षा होगी। सावित्री ने सत्यवान की प्राणों की रक्षा की, पेड़ पौधे हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए दिन सावित्री जी का व्रत किया जाता है। किसका व्रत होता है? तो हम बोलते हैं वट सावित्री व्रत। क्या बोलते हैं? वट वृक्ष की पूजा करो, सावित्री जी का व्रत रखो। अब हमने जब पेड़ पौधों की पूजा की तो धरती पे पानी पानी हो गया, माँ गंगा खुद पधार गए, इसलिए होती है गंगा दशमी। क्या होती है? गंगा दशमी का मेला होता है कामा। कहां पर होता है? इसलिए भरतपुर के किले में गंगा मंदिर है। भरतपुर के किले में गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है। कौन कौन से मंदिर है? गंगा मंदिर और। तो पेड़ पौधों की पूजा की, बड़मावस वटवृक्ष अमावस्या, उस दिन आपके गंगा जी, उसके 10 दिन बाद गंगा जी धरती पर आ गए, तो क्या हो गई? गंगा दशमी। मेला कहां पर होता है? कामा। तो अगले दिन हमने पानी पिया ही नहीं, हम निर्जल रहे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम सभी व्रतों का पुण्य एक साथ प्राप्त करना चाहते हो, तुम निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। कौन सा व्रत कर लो? इस दिन यदि जल ना पिया जाए तो भी पुण्य मिलेगा, इस दिन यदि जल किसी को पिलाया जाए तो भी। निर्जला एकादशी दिन उदयपुर में पतंगे उड़ती है। बीकानेर वाले पतंगे कब उड़ाए? उदयपुर वाले कब उड़ाए? जयपुर वाले कब उड़ाए? मकर संक्रांति कब उड़ाए? ये तो यार पढ़ा भाई, इसमें क्या पढ़ाना। अब उसके बाद में आ गई आपका आषाढ़। क्या आ गया? आषाढ़ आ गया। और आषाढ़ में कृष्ण पक्ष तो पूरा का पूरा क्या रहता है? खाली। पुनः वही नवरात्रे जो किसी को बताने, एक तो वो नवरात्रे का बातें माघ, एक वो नवरात्रे का बातें, और फिर इनके अंदर एक नक्षत्र आता है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह किया जा सकता है, बदल्या। कौन सा है? बदल्या। बदल्या नहीं है, बदल्या। कौन सा है? इसलिए सबसे अधिक शादी ब्याह यदि किसी दिन होते हैं तो किस दिन होते हैं? कौन सी नवमी? इसलिए सड़कों पे गाड़ियां घूमती रहती, दिल बना बना के ना तीर लगाया, फलाना संग फलानी ना। तो सबसे अधिक शादी ब्याह किस दिन होते हैं? क्योंकि 2 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली होती है। देवता सोने वाले होते हैं भाई साहब, देव सैनी एकादशी। क्या होती है? तो लोगों को लगता है फटाफट ब्याह कर ले, 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे ब्याह। तो भद्रा नवमी को ब्याह ज्यादा होते हैं, बाद देवता क्या हो जाते हैं? सो जाते। और बाद में पूर्णिमा को आपका मेरा दिन टीचर्स डे होता है। क्या होता है? इस दिन व्यास जी का बर्थडे होता है, तो ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आषाढ़ के बाद महीना कौन सा आता है? सावन। सावन के महीने में सांप मिच्छू ज्यादा, इसलिए हमने सांप की पूजा की, हे सांप खा मत जाना तू, इसलिए हमने किया कि नागपंचमी। सांप फिर भी नहीं मानता, हमने नेवले को सुपारी दे कि नेवले नीडर नेवले खा जाए इनको, इसलिए क्या आती है? नीडरी नवमी। और फिर हम कहते हैं सब हरा ही हरा होता है। क्या होती है?
इसलिए 1917 में बेरीसाल नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल स्थापना की और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मन्ना पटेल। युवाओं की एक समिति बनाई गई, ऊपरमाल सेवा समिति। एक पर्चा प्रकाशित किया गया ऊपरमाल का, माणिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया, विजय सिंह जी ने खुद ने कौन सा गाया, पीड़ितों का बिजोलिया की खबरें कानपुर के अखबार में छपी प्रताप, उस अखबार को कौन निकालते, गणेश शंकर विद्या। अरे प्रताप अखबार भूल गया, अरे तो फेमस अखबार है। और मैंने तो बताया था विजय सिंह पथिक ने भाई साहब राखी भेजी, वो भी किसकी, किसकी, चांदी की राखी। किसने किसको भेजी, विजय सिंह पथिक ने किसको, गणेश शंकर, क्योंकि वो कौन सा अखबार निकालते, कहां से, कैसा अखबार था, साप्ताहिक, कैसा अखबार था। ये हो गए बैठते हमारे, क्या हो गए, और हिस्ट्री कंप्लीट सारी तो पूछ ली मैंने, किसान आंदोलन पूछ लिए, एकीकरण पूछ लिया, सब कुछ हो रहा है भाई साहब एक साथ आपका। ठीक है, इसके बाद आगे, अच्छा जैनों के वो हो रहेगा, हाँ हाँ वैसा, माफी माफी है ना। अच्छा मुस्लिम त्यौहार, महीनों के नाम याद ही होंगे आपको सबको, मेरे को बोलो देखे, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस्सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस, रजब, सावान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिल, पहले महीने का नाम क्या है, मुहर्रम, इसका मतलब दुख की बात है, किसकी बात है, दुख की बात है। और 10 तारीख को हुसैन की आदमी क्या निकलते हैं, किसके आदमी निकलते हैं, हुसैन की आदमी क्या निकलते हैं, ताजी निकलते हैं हुसैन की याद के अंदर। और इसी की 27 तारीख को होता है, हुसैन की याद में ताजी निकलते हैं, और इसकी 27 तारीख को आपके होता है गलिया कोट में उर्स होता है। कहां पर उर्स होता है, गलिया कोट के अंदर उर्स होता है, सैयद फखरुद्दीन का उर्स। किसका उर्स है, तो ताजी कब निकलते हैं, 10 को, सैयद फखरुद्दीन का उर्स कब होता है, कहां पर, वही गलिया कोट जहां पर दाऊदी बोहरा लोग आते हैं, कौन से आते हैं, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान कौन सा है, गलिया कोट। गलिया कोट में उर्स कब लगता है, मुहर्रम की 27 तारीख को। किसका उर्स होता है वो, तो दाऊदी बोहरों का सबसे मुख्य केंद्र तो है गलिया कोट, कौन सा है, गलिया कोट। एक और इनका मुख्य केंद्र है बांसवाड़ा में, उसका नाम है भगवानपुरा, क्या नाम है, और वहां पर एक इनकी दरगाह और है, यहां पे तो सईद फखरुद्दीन की दरगाह है, वहां पर दरगाह अब्दुल्ला पीर, किसकी दरगाह, अब्दुल्ला पीर की दरगाह। दाऊदी बोहरा संप्रदाय इस बार याद ही रखना, पेपर आउट ही मान लो आप, क्योंकि मोदी जी मिस्र की मस्जिद में जाके हैं, अल हकीम, वो अल हकीम जो मस्जिद है दाऊदी बोहरों की, किसकी मस्जिद है, तो दाऊदी बोहरों के दो मुख्य स्थान, एक तो गलिया कोट, गलिया कोट में कौन से, सैयद फखरुद्दीन, और एक आपके भगवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर कौन सा, अब्दुल्ला पीर, किसकी है, अब्दुल रसी, अब्दुल रसूल नाम करके संत हुए थे, उनकी दरगाह, तो अब्दुल्ला पीर, पीर मतलब देवता, अब्दुल्ला पीर की, तो दाऊदी बोहरों के दो केंद्र ही अपने, सैयद फखरुद्दीन वाला बड़ा केंद्र है, इसलिए वहां पर उर्स लगता है, उर्स कब लगता है, 27 तारीख, कब लगता है, 27 तारीख को लगता है। हुसैन की मृत्यु कब हुई, उनके याद में क्या निकलते हैं, क्या निकलते हैं, वाद्य यंत्र बजाया जाता है ताशा, क्या बजाया जाता है, मुस्लिमों द्वारा जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है कौन सा है, हम आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कि मुहर्रम पर कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, उसमें ताशा बजता रहता है। अब हिंदुओं में शोक प्रकट करते हैं 12 दिन, कितने दिन, मुसलमानों में हो गया 40, कितने दिन हो गया, तो मुहर्रम के 10 तारीख को डेथ हुई, 20 दिन इस महीने के, 20 दिन अगले महीने के, अगला महीना कौन सा है, सफर, तो सफर की 20 तारीख को चेहल्लम, क्या जाती है, चेहल्लम आ जाती है। इसके बाद अगला महीना कौन सा आ गया, क्या गया, रबीउल अव्वल, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख, रबीउल अव्वल की, उसी को तो आपके पैगर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जन्म को क्या बोलते हैं, ईद मिलादुल नबी, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई, क्या बोलते हैं उसको, 12, ये याद मत करना, बोले कोई याद नहीं रखना। इसके बाद में 3 महीने खाली है अपने, रबीउस्सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस्सानी, ये कोई इतने काम की बात नहीं अपने। इसके बाद में आगे कौन सा महीना जाता है, रजब, कौन सा जाता है, रजब की 1 से 6 तारीख, 1 से 6, अजमेर में अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या होता है, किसका उर्स होता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, कहां पर है, अजमेर। और मोहम्मद गोरी ने कहा था उनको सुल्तान उल हिंद, क्या कहा था, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप हिंदुस्तान के क्या हो, सुल्तान, इसलिए क्या उपाधि दी थी उनको, सुल्तान उल, क्या उपाधि दी, सुल्तान उल हिंद। अकबर कितने गांव देके गया था इस दरगाह को, 14 बार आया था, 18 गांव देके गया, कितनी बार आया था, कितने गांव देके गया, अपने मेवाड़ में महाराणा थे जगत सिंह सेकंड, कितने गांव दे गए, जोधपुर के कौन से राजा ने भूमि अनुदान दिया,
अजीत सिंह। किसने दिया? एक मुगल राजकुमारी पा 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 आई थी यहाँ पे, जहांरा। कौन कौन आई थी? जहांरा पैदल आके गई थी यहाँ पे। कहाँ पे आके गई जहांरा पैदल? कहाँ पे आके गई? अजमेर। और मराठों के एक राजा ने गिफ्ट भेजे थे यहाँ के लिए, साहू। किसने भेजे? एकमात्र कोई, सॉरी, सबसे पहला मराठा जो इस दरगाह के लिए गिफ्ट भेजता कौन था? जोधपुर के कौन से राजा ने? मेवाड़ के कौन से महाराणा ने? अकबर कितनी बार आके गया? कितने गांव देखे गया? इस दरगाह पे आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था वह सुल्तान जो इस दरगाह पर सबसे पहले आया था? कौन था? कौन सी दरगाह पे? किसकी दरगाह है? उर्स कब से कब तक लगता है? कौन से महीने की? कौन से महीने की? और फिर रजब की 27 तारीख को आता है सब ए मिराज। क्या आता है? मिराज का मतलब होता है उड़ान। मिराज का मतलब? सब का मतलब रात, नाइट ऑफ फ्लाई। सब ए मिराज, उड़ान की रात्रि। पैगंबर मोहम्मद साहब उड़ के गए खुदा से मिल के। किसे मिल के? तो अल्लाह से पैगंबर मोहम्मद साहब की मुलाकात किस दिन हुई? सब ए मिराज। कब हुई? उड़ान की रात्रि हो, नाइट ऑफ फ्लाई है। उसके बाद आ गया आपका साबान, और साबान में कितनी तारीख? 14। उस दिन होता है सब ए बरात। क्या है? अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हो उसे बा इज्जत बरी कर दिया गया। उसे वह रात्रि जब आप बरी कर दिए जाते हैं वो सब ए बरात है। वह रात्रि जब आप माफ कर दिए जाते हैं वो कौन सी है? इसलिए इस रात्रि को, साबान की 14 तारीख को, यदि आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, आप कहते हैं या अल्लाह माफी फरमा मुझे, तो अल्लाह आपको क्या कर देता है? तो आप बुरे कर्मों के लिए क्या मांग सकते हो? जैसे जैन कल मना रहे थे मिच्छामी दुकड़म। क्या मना रहे थे? मिच्छामी दुकड़म का मतलब यही है, गलतियों के लिए क्या कर दिया जाए। इसलिए मोदी जी ने भी संसद में कहा था, मित्रों मिच्छामी गलतियां की उनके लिए क्या कर दो? माफ कर दो। तो वैसा वैसा मुसलमान कब कहते हैं? सबे, सबसे पवित्र महीना कौन सा? रमजान। रमजान में क्या रखे जाते हैं? रोजे। सबसे पवित्र किताब कौन सी? कुरान। तो 27 तारीख को कुरान धरती पर आ गए। सबे कद्र, सबे नाइट ऑफ ऑनर, कद्र की जाए उस दिन, कद्र वाली किताब आई थी। तो 27, 14, 27, सबे मेराज, सबे बरात, सबे कद्र। कौन कौन से बताओ? देखे 27, 14, सबे मेराज, सबे बरात, रजब, साबान, रमजान। कौन कौन से महीने? रज, फिर एक महीने पूरे में जब आपके रोजे रखे हुए, तो जैसे ही सवाल की एक तारीख है, आपने कहा भाई साहब आज पेट भर के खाए। ईद उल फितर क्या आती है? मीठा मीठा खाया जाए, मीठी सेवैयां बना के खाई जाए। सेवैयों की कैसे होती है? भाई भाई गले मिलो सारे, तो किसका हो गया भाई? किसका त्यौहार? अंतिम महीने का नाम है जिलहज। क्या नाम है? मुसलमान कहाँ जाते हैं? हज यात्रा, मक्का मदीना की यात्रा करो, हज की यात्रा करके आओ। हज की जो यात्रा करके आए वो हजी, हज की यात्रा करके आए वो, और महिला करके आए तो हाजन, पुरुष करके आए तो हाजिर, महिला करके आए तो हाजी। फैज मोहम्मद कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? हाड़ोती, हाड़ोती प्रजामंडल, नैनू राम शर्मा। हाजी फैज मोहम्मद ने 1934 में बनाया था, लेकिन ढंग से काम नहीं कर पाए, इसलिए 5 साल बाद दोबारा बनाया गया। किस नाम से? कोटा। किस नाम से बनाया गया था? कोटा नाम से बनाया गया था। ये आपके मुस्लिम त्यौहार हो गए, याद रह जाएंगे मुस्लिम त्यौहार। उसके बाद कौन से आपके? जैन। कौन से जैन है या कौन से जो भी आ गए? जैनों वाले, जैनों वाले में जैनों के कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का एक और नाम आदिनाथ जी। क्या नाम है? आदिनाथ जी। इनका नाम होता है होली के 9 दिन बाद जयंती आती है। होली के कितने दिन बाद? होली का बात, ये फाल्गुन पूर्णिमा, 9 दिन बाद चैत्र कृष्ण नवम, चैत्र कृष्ण। या मैं कहूं बछोड़ा के अगले दिन, बछोड़ा के क्या आती है आपकी? ऋषभ जयंती। क्या आती है? ऋषभ। अपनी हनुमान जयंती से 2 दिन पहले महावीर जयंती, हनुमान जयंती का बात ये चैत्र पूर्णिमा, तो महावीर जयंती का बात ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब आती है? आगे तो जैनों के सारे त्यौहार भादवे में, सारे शुक्ल पक्ष। सारे त्यौहार कब आते हैं? भादवे में। सारे कब आते हैं? शुक्ल पक्ष। त्यौहार का नाम है रोड़ती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सुगन दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। 10 लक्षण पर्व, साल में 3 बार, 10-10 दिन के वर्त है, साल में 3 बार। पहले महीने में 5 जोड़ दो, 6ठे महीने में 5 जोड़ दो, 11वें महीने में, मतलब चैत्र में, भाद्रपद में, और थोड़ा थोड़ा चेंज है। श्वेतांबर अलग मनाते हैं, दिगंबर अलग मनाते, श्वेतांबर तो ये कहते हैं, और इस जो ये जो भादवे वाले होते हैं उनको बोलते हैं पर्युषण। क्या बोलते हैं? दिगंबर तो कहते हैं हमारा जो चल रहा है वो का वही है भाई साहब, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेके चतुर्दश,
शुक्ल पंचमी से चतुर्दश, 10 दिन हो गए। और वो कहते हम जो माफिया मांगेंगे उसको बोलेंगे पड़वा ढोक। क्या बोलेंगे? पड़वा का मतलब होता है एकम। पड़वा का मतलब क्या होता है? ये आश्विन कृष्ण एकम को आती है। चतुर्दशी को समाप्ति हो गया, चतुर्दशी को समाप्त हो गया, चतुर्दशी को समाप्त हो गया तो अगले दिन कौन सी आ गई? पूर्णिमा। पूर्णिमा महीना कौन सा लग गया? आश्विन। आश्विन कृष्ण एकम को क्या मनाते हैं? पड़वा। पड़वा मतलब एकम, उस दिन माफिया मांगी जाती है। सिंपल पूछेगा पड़वा ढोक किस लिए होती है? माफी मांगने किस लिए होती है? उसके बाद श्वेतांबर, श्वेतांबरों ने कहा हमारा 10 दिन का होगा ही नहीं, हमारा तो 8 दिन का हो। कितने दिन का? याद रखना श्वेतांबरों का पर्यूषण कितने दिन का होता है? कितने दिन का? 8 दिन का होता है। वो कहते हैं कि हम शुरू करेंगे हमारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से। कब शुरू करेंगे? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। और कब तक चलेगा? शुक्ल चतुर्थ। कब तक चलेगा? और उन्होंने कहा हम अगले दिन हमारी माफिया मांग लेंगे और उसको बोलेंगे संवत्सरी। क्या बोलेंगे? उनका माफी मांगना क्या कहलाता है? पड़वा ढोक। इनका माफी मांगना क्या कहलाता है? श्वेतांबरों का पर्यूषण कितने दिन का होता है? 8। कितने का? दिगंबरों का तो कितने का? 10। इनका पर्यूषण का मतलब बड़ा त्यौहार, बड़ा त्यौहार, बड़ा महीना कौन सा? भादवा। तो पर्यूषण कौन सी महेगा? भादव। गुरु नानक जयंती हम जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पोष शुक्ल सप्तमी कब है? कब आती है बताओ? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना। कहां पर हुआ था? दो बंदों के जन्म याद ही रखने हमेशा, या दादू दयाल जी का अहमदाबाद, दादू दयाल जी का, और या बाद गुरु गोविंद सिंह जी का। कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? पटना। लोहड़ी आप जानते हो, 13 जनवरी। वैसाखी आप जानते हो, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। कितने भील शहीद हुए? कौन सी सभा का अधिवेशन हो रहा था? समसभा। बनी कब थी वो? 1883। किसने बनाई थी? गोविंद गुरु। किसने बनाई थी? उसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903। कब हुआ था? 1933। मांगी कब रखी थी? 1910। कब रखी थी? और हिंदुओं को, हिंदू आदिवासियों को हिंदुओं में रखने के लिए पंथ कौन सा बनाया गया? भगत पंथ। कौन सा? भगत पंथ बनाया गया था। इसलिए आंदोलन का नाम क्या है? भगत आंदोलन। क्या नाम है इसका? अच्छा, गोविंद गुरु खुद कौन से गांव के थे? वेदसा। कौन से गांव थे? इसलिए उनका मुख्य केंद्र कौन सा था? वेद। कौन सा था? बीच में एक रियासत में और गए थोड़ी टाइम के लिए, एक रियासत में इडर। कहां चले गए थे? गिरफ्तार किए गए। तो किसके साथ गिरफ्तार किए गए? पुंजा धीर जी। किसके साथ? और बाद अंतिम समय कौन से गांव में बिताया? कांबिया, गुजरात के कौन से गांव में? और एक भगत कोई और इनके साथ में थे, सुरजी भगत। क्या नाम था? सुरजी भगत। और बताओ तो गांधी जी ने किसको कहा था कि ये जलियांवाला सभी भयंकर चीज हुई है यहाँ पर, दोहरी डायर साई? किसको कहा था? जलियांवाला बाग से तुलना कौन सा अखबार करता है? रियासत। कौन सा करता है? सचित्र। कौन प्रकाशित करता है? तरुण राजस्थान। कौन करता है? तरुण राजस्थान अखबार। क्या करता है इसको? सचित्र। कब हुआ था निमुचन हत्याकांड? 14 मई 1900। कौन से पशुओं के शिकार को लेकर लोग आमने सामने थे? सुअर। कौन से पशुओं को? कौन कौन से नेता थे इसके बताओ? देखे माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह। नाम बोलो देखे। गंगा सिंह। किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, माधो सिंह और गोविंद सिंह कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? नीमच। राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर कितने प्रतिशत कर बढ़ा दिया गया था? 40। कितने प्रतिशत? 40% कर बढ़ा दिया गया। बस इतनी बातें आप। इसके बाद में कौन से आगे? अच्छा, पहले चैटी चंड लिखना था, फिर असुचंड लिखना था, उल्टे कर दिया आप। चेटी मतलब चैत्र, चंड मतलब चांद, चेत का पहला चांद, चैत्र शुक्ले एक, असु मतलब आश्विन, चंड मतलब चांद, आश्विन शुक्ले एक, झूलेलाल जी की जयंती, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। थदड़ी सातम आपकी आती है अपने भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, अष्टमी से एक दिन पहले। बसोड़ा है सिंधियों का। अपना हिंदू कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। और अपने पश्चिमी राजस्थान वाले तो अपने बसोड़ा भी तो सप्तमी को मनाते हैं। ये तो जयपुर वाले मनाते हैं आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी, पर अपने तो गांव में बोलते हील हातम है। हील हातम है, हील मतलब ठंडी, हातम मतलब हातम। सह को अपने है बोलते हैं, सह अपने से बोला नहीं क्या? हड़कर हीरोन हगोन है ना। भवाई लोक नाट्य में पुरुष कलाकार को क्या कहते हैं? सगा जी। महिला कलाकार क्या कहते हैं? तो जयपुर वाले होते कहते ब्याई जीन ब्यान। जोधपुर वाले कहते हगोन हागी, एक है हगोन एक है हागी। बस इतनी तो बात है। चालीहा इतना याद रखना है कि भाई 16 जुलाई से 24 अगस्त होता है, 40 दिन तक व्रत किए थे भगवान वरुण के, इसलिए क्या हो गया? चालीहा।
भगवान ईसा मसीह पैदा हुए क्रिसमस, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई, वापस आ गए। कौन सा वार होता है? संडे। ईस्टर के दिन कौन सा होता है? संडे। और वापस चले गए, कौन सा होता है? पैदा हुए क्रिसमस, ज्ञान की प्राप्ति हुई नव वर्ष, मृत्यु हुई वापस आए 40 दिन बाद वापस गए, कौन सा हो गया? बस समाप्त हो गया। आगे क्या है केड़ी भाई है? अरे रुक जा देवता, बिना देवता के सार लो।